I'm ready. इसका लिंक ओपन ना हो रहा हो उसको भेज यूट्यूब वाले से, लिंक ओपन क्यों नहीं हो रहा? रूम वाले में दिक्कत आती है कुछ लोगों को, मुझे एक बार वो लिंक भेजना जरा। नहीं वो दूसरा वाला रूम वाला में बच्चों, इसमें आप लोगों को ऑप्शन शायद वो नहीं दिया गया है जिसमें आप बोल सकते हैं, तो मैसेज पे चैट करने का ऑप्शन दिया गया है इसमें अभी नॉर्मल सेशंस की तरह, क्योंकि डिस्टरबेंस ज्यादा हो जाता है ना बीच में, किसी का माइक ऑन रह जाता है, कुछ लोग ऐसा करते हैं, है ना। तो इसलिए ऑप्शंस नहीं दिया गया होगा। चैट पे आप जो भी बातें कहनी है आप कर सकते हैं, और ज्यादातर अपने ही बच्चे हैं जहां तक मैं देख रहा हूं। इंग्लिश मीडियम में भी भेज देना जरा। तो एक सेकंड में देखूं कितने बच्चे आए हैं। ओके ठीक है। तो प्रियंका तिवारी गुड आफ्टरनून बेटा, दीक्षा गुड आफ्टरनून, नितेश गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून बिकॉज दिस इज आफ्टरनून। और दिल्ली में जैसा कि पता होगा लॉकडाउन लगा हुआ है, और इसलिए मैंने जो अभी का
सेशन लिया, रिस्क पे लेके ले रहा हूँ। वाई? बिकॉज स्टूडियो में आना पड़ा इसके लिए। नॉर्मली तो मैं क्लास तो वहां भी ले लेता हूँ घर से ही, लेकिन इसके लिए मैंने सोचा कि यहाँ पे जाके ही लेते हैं। और ये जो सेशन है ये क्यों रखा गया होगा, क्या रीजन होगा इसके पीछे? हर एक स्टूडेंट जो भी यहां पे आया होगा वो कुछ मेंटल प्रॉब्लम से गुजरता ही है। हर दिन सुबह से शाम तक अगर मैं अपने बच्चों से बात करता हूं, जितने भी लोगों को मैं ट्रेन करता हूं अपने अंडर में, तो उनमें से कुछ बच्चों का जरूर दिन भर में मैसेज आ जाएगा कि सर आज पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, आज फोकस नहीं बन पा रहा है, आज घर में एक समस्या आ गई थी जिसकी वजह से मन जो है मेरा बहुत खराब हो गया है। आपका मन जो खराब होता है ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि मन खराब होने से आपकी पढ़ाई खराब हो जाती है। तो ये जो सेशन आज है ये मेरे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होता है जब भी मैं लेता हूं। मैंने आज तक सिर्फ दो बार लिया है, इट इज द सेकेंड टाइम। एक बार मैंने पहले लिया है आज के 4-5 महीने पहले, जबकि ये जो समस्या है ये यूपीएससी में सबसे ज्यादा बड़ी है। मतलब मैं पूरे अपने बच्चों को भयंकर तरीके से ट्रेनिंग देने के बाद वो जब फेल होता है ना तो उसके पीछे कभी कोई नॉलेज नहीं होता, उसके पीछे हमेशा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई हर भाई बंदा आपसे बोलता है फोकस करो फोकस करो फोकस करो, कोई नहीं बताता कैसे करो। हर बंदा बोलता है अरे यार मन लगा के पढ़ो, कोई नहीं बताता कैसे लगाओ। हर इंसान कहता है कि पूरा 8 घंटे तक पढ़ो, कोई भी बंदा तुम्हें डिस्टर्ब ना कर पाए, लेकिन कोई नहीं बता पाता कि कैसे आप डिस्टर्ब ना हो। और मैं भी ज्ञान देने के लिए जब उसमें आता हूं ना पहले वाले सेमिनार में, कभी सोचा है मैं क्या कहता हूं, मेरी पहली लाइन क्या होती है? देखो ये लाइन, फ्रॉम द बर्थ टू टाइप्स ऑफ पर्सन आर बॉर्न, वन इज मास्टर एंड अनदर इज स्लेव। अरस्तु कहता है, यही स्टेटमेंट यूज करता हूं ना मैं, अरस्तु कहता है कि जन्म से ही दो तरीके के इंसान इस धरती पे पैदा हो जाते हैं, उनकी डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है। एक वो जो रूल करता है और दूसरा वो जिन पर रूल किया जाता है। एक को कहा जाता है मास्टर, मास्टर मतलब मालिक, और दूसरे को कहा जाता है गुलाम। यही ज्ञान देता हूं ना भाई मैं। फिर दूसरा ज्ञान क्या देता हूं, देखो वन हु रूल्स हिमसेल्फ विल रूल द वर्ल्ड। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है जो अपने ऊपर राज करता है वही विश्व पर राज करता है। अब एक बात बताओ, अबे राज करे कैसे? कौन ऐसा इंसान है जो चाहता नहीं है? कोई भी ऐसा स्टूडेंट है आप लोगों में से जो ये मानता हो अपने अंदर से कि वो स्लेव है, वो मास्टर नहीं है? हर इंसान मास्टर बनना चाहता है और इसलिए वो शायद प्रिपरेशन कर रहा है, आईएएस की तैयारी भी कर रहा है। आखिर वो क्या चीज है जो उसको मास्टर नहीं बनने देती? हर एक स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा वो दिन आता है, हर 15 से 20 दिन के बाद, हर बार हर 15 से 20 दिन के बाद वो दिन आता है जब उसको लगता है कि शायद उसके वश की नहीं है, शायद ये दिमाग अब उसके कंट्रोल में नहीं है। वो कितने भी पॉजिटिव थॉट डालना चाहता है वो पॉजिटिव थॉट लेता ही नहीं है, वो निगेटिव थॉट डालता है। उसे लगता है यार बहुत मुश्किल है, यार यार मैं क्यों अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं स्लेव हूं? सर तो कहते हैं कि जो अपने ऊपर शासन नहीं कर पाता वो स्लेव होता है, तो क्या मैं स्लेव हूं? ऐसे क्वेश्चंस दिमाग खुद उठाने की कोशिश करता है।
और कभी कभार तो वो इतना ज्यादा अंदर तक चला जाता है कि आप ये तैयारी भी छोड़ देते हैं। लेकिन आज का ये सेशन इसलिए है क्योंकि मैं ये ज्ञान के बजाय आपको इसके कारण बताऊंगा कि आदमी, हर एक इंसान कुछ ना कुछ दिन के बाद अपने आप को स्लेव क्यों समझता है, क्यों समझता है कि वो मास्टर नहीं है। और अगर वो चाहता है कि वो मास्टर बने, अगर वो चाहता है कि वो अपना ही मालिक बने, तो ऐसा क्या करे। तो ये सेशन स्पेशल सेशन है उनके लिए। मैं आपको फिर से आगे लेके चलता हूं इस सेशन में, और ये वादे के साथ आगे लेके चलता हूं कि आज जितने भी बच्चे यहां पे हैं, जब लास्ट का सेशन खत्म होगा तो वो मास्टर होंगे अपनी डेस्टिनी के। वो मास्टर होंगे अपने इस दिमाग के। बच्चों, एक चीज लेकिन इससे पहले मैं शुरू जरूर करना चाहूंगा, एक बात जरूर, एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं यहां पे जो मेरे दूसरा सेशन या मेरे स्टूडेंट्स भी होंगे इसमें, जिनको लगता होगा सर तो ये सारी बातें हमें पहले बता चुके हैं, उनके लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा जिन्होंने पहले सेशन ज्वाइन किया है। लाओ त्से नाम का एक फिलोसफर था, लाओ त्से, एक धर्मगुरु। लाओ त्से के आश्रम में एक मूर्ख इंसान डेली आता था, जिनको आप मूर्ख कहते। वो एक प्रॉब्लम लेके आता था, लाओ त्से से वो प्रॉब्लम पूछता था, लाओ त्से उसका सॉल्यूशन बताता था, वो इंसान फिर से चला जाता था। अगले दिन वो फिर आता था, कहते सर वो जो आपने सॉल्यूशन बताया था वो समझ नहीं आया, मुझे एक बार फिर बताओ। फिर वो अपनी प्रॉब्लम रखता था, लाओ त्से उसे फिर से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता था, और फिर वो इंसान चला जाता था। तीसरे दिन फिर वो व्यक्ति आता था, कहता सर वो जो आपने सॉल्यूशन बताया था वो तो मैं भूल गया, मुझे फिर से बताओ सॉल्यूशन। लाओ त्से फिर उसे सॉल्यूशन बताता था। क्या है ऐसा इंसान आपकी निगाहों में? मूर्ख, आप कहते हो मूर्ख, लेकिन लाओ त्से उसे मूर्ख क्यों नहीं समझता था? लाओ त्से क्यों नहीं उसको मना कर देता था? क्या लाओ त्से मूर्ख था? जब 21 दिन तक कंटिन्यूअसली ये होता रहा तो उसके आश्रम के बाकी शिष्य लोग आ गए और लाओ त्से से पूछे कि सर 21 दिन से ये इंसान सेम समस्या लेके आ रहा है, सेम प्रॉब्लम लेके आ रहा है, और आप 21 दिन से इसको सेम सॉल्यूशन बता रहे हो, ये तो मूर्ख है, ये तो समझ में आ गया, आप क्या हो ये बताओ। लाओ त्से मुस्कुराया और बोला जाओ, तुमने जो कहना था कह दिया। 22वें दिन वो इंसान नहीं आया जो 21 दिन तक कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन पूछ रहा था, वो इंसान 22वें दिन नहीं आया। तो लाओ त्से परेशान हो गया, आज क्यों नहीं आया? लाओ त्से आश्रम से निकला और दौड़ा दौड़ा उसके घर पहुंच गया, बोला भाई आज क्यों नहीं आया? बोला सर समझ आ गई। बोला क्या समझ आ गई? बोला जो सॉल्यूशन आप बता रहे थे वो समझ आ गई। अब जब ये क्वेश्चन मैं बता रहा होता हूं, जिसका सॉल्यूशन जो आप स्टोरी जब मैं सुना रहा होता हूं, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा काय को सुना रहा। जिसको ये स्टोरी समझ में आ गई वो आज इस पे कंट्रोल कर लेगा अपने दिमाग पे। जिसको ये स्टोरी समझ नहीं आई वो फिर से इसी समस्या से ग्रसित तो होगा। मेरे बच्चों, ये दिमाग दो भागों में बटा हुआ है। एक को आप लोग कहते हैं इंटेलेक्ट, बुद्धिमत्ता, जिसे फटाक से कोई प्रॉब्लम बताओ तो समझ में आ जाती है। एक है आपका इंटरनल ब्रेन, जिसको नहीं समझ में आती। ये तुम्हारा इंटेलेक्ट जो है ना, इंटेलेक्ट ज्ञान, ये उसको समझ में नहीं आता।
जब मैं आपको मैथमेटिक्स की समस्या बताता हूं तो आप फट से समझ जाते हो, बोले हाँ जी आ गया आ गया आ गया। ना बताया जाए तो आप इस समस्या को कभी सीख नहीं पाओगे। संगीत आपको सिखाया जाता है, ना सिखाया जाए तो आप कभी नहीं सीख पाओगे। लेकिन जरा बताओ कि क्या किसी को गुस्सा सिखाया गया आज तक? क्या किसी को जलन सिखाई गई? क्या किसी को नफरत सिखाई गई? क्या किसी को प्यार सिखाया गया? ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट है मेरे बच्चों, और यह है मालिक तुम्हारे दिमाग का। तुम्हारे दिमाग का मालिक यह इंटेलेक्ट नहीं है, तुम्हारे दिमाग का मालिक यह ज्ञान भरी बातें नहीं है, तुम्हारे दिमाग का मालिक होता है फियर, डर, लव, घृणा, निगेटिविटी। समझ गए ना? यह सब तुम्हारे दिमाग पर राज कर रहे होते। क्यों? क्योंकि लाखों साल लग गए इनको डेवलप होने में। ये जो इंटेलेक्चुअल है ना, तो आपकी बुद्धिमत्ता, ये तो अभी हाल ही में डेवलप हुई है। लेकिन आपके सिक्योरिटी गार्ड कौन है? आपका सिक्योरिटी गार्ड है यही इंटेलेक्ट। अब मैं आपको एक स्टोरी दूसरी सुनाता हूं। जरा सोचो, ये घर का मालिक हो, घर के मालिक हो 7-8-10, और वो घर पे रहते हो, घर के अंदर रहते हो बड़े चाव से, और एक सिक्योरिटी गार्ड हो बड़ा हट्टा कट्टा ताकत, और जिनको इन मालिकों ने रखा हो पैसे पे। अब गुस्सा आ गया मालिकों को, गुस्सा आया और घर से बाहर निकले और धूम धड़ाका मचाया, दो चार लोगों को कूटा पीटा और फिर अंदर चले गए, सो गए। अब जिनको पीटा वो आते हैं सिक्योरिटी गार्ड के पास, कहते हैं भाई देख गलत है कि नहीं है, गुस्सा करना गलत है कि नहीं है। अब ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ये कहता बिल्कुल सही बात कह रहे हो, बिल्कुल बुद्धिमत्ता पूर्ण बात कह रहे हो, बिल्कुल गलत है गुस्सा। मालिक किधर बैठा है? अंदर। मालिक को कोई सूचना नहीं है। किसको ज्ञान दिया जा रहा है? सिक्योरिटी गार्ड को। इसलिए आप लोगों को जो ज्ञान देते हैं ना हम, हे बेटा आंसर राइटिंग करनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए, ये किसको दिया जा रहा है? ये सिक्योरिटी गार्ड को दिया जा रहा है। मालिक तक तो सूचना पहुंची नहीं रही है, मालिक तो अंदर बैठा है। अरे बच्चों, फिर मालिक को थोड़ी देर बाद मूड किया, उसको मोहब्बत आई, वो निकला और फिर से उपद्रव करके चला गया, सिक्योरिटी गार्ड फिर से खड़ा खड़ा देख रहा है। अरे मालिक तू क्या कर रहा है, अभी बात हुई थी गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन मालिक तो मालिक है, सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात नहीं है कि वो मालिक को छेड़ सके, क्योंकि मालिक तो मालिक है। सिक्योरिटी गार्ड, आप लोग जो दिन भर गिल्टी फीलिंग करते हो ना, वो सिक्योरिटी गार्ड करता है, अंदर का नहीं कुछ करता। जो तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी निगेटिविटी जो बात करते हो ना अपने आप, ये सिक्योरिटी गार्ड करता है। मेरे बच्चों, आज तुम्हें ये सीखना है कि मालिक से कैसे करवाया जाए काम। इन जो तुम सिक्योरिटी गार्ड हो ना भाई, तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड को इतना ताकतवर कैसे बना दिया जाए कि इस घर में रहने वाले हर एक मालिक को यह बात पता हो कि तू सिक्योरिटी गार्ड मुझे इसलिए रखा है ताकि उपद्रव में तू अगर करे तो भी ना होने दूं। मेरे बच्चों याद रखना, अगर तुम आज तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड जो उससे तुम बातें करते हो कि यार आईएएस बनना है, यार सिक्योरिटी गार्ड से बात हो रही है, आईएएस बनना है यार, सिक्योरिटी कहेगा इस घर की पूरी सुरक्षा करनी है यार, इस घर को आगे बढ़ाना है यार, इन सारे लोगों को आगे बढ़ाना है यार, और घर का मालिक उसको कुछ मतलब नहीं है, उपद्रव कर रहा है वो, इस सिक्योरिटी गार्ड को हमें आज मजबूत बनाना है मेरे बच्चों। तो आज ये कहानी का दूसरी जो स्टोरी मैंने सुनाई थी वो इसलिए सिर्फ सुनाई कि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैं करने क्या जा रहा हूं। कौन है मास्टर? मास्टर वो है जिसका सिक्योरिटी गार्ड उसके ऊपर रूल करता है। मास्टर वो है कि सिक्योरिटी गार्ड इतना ताकतवर हो कि अगर कोई जलन हो तो जलन को वो ब्लॉक कर दे, गेट से बाहर उपद्रव ना मचाने दे। मोहब्बत है तो मोहब्बत को ब्लॉक कर दे, घर से बाहर उसको उपद्रव ना मचाना पड़े।
अगर कोई बंदा गुस्सा है तो गुस्से को वो ब्लॉक कर दे, कह दे बे सुन, तो गुस्सा कर कमरे के अंदर कर, कमरे से बाहर मत निकलियो, क्योंकि मैं हूं सिक्योरिटी गार्ड। समझ गए ना? वो सलमान खान वाला आया था, कौन सी मूवी थी, सिक्योरिटी गार्ड ही थी क्या? हाँ, वो वाला सिक्योरिटी गार्ड कि मालिक को, तुमको पता है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री अगर चाहे एसपीजी की सुरक्षा से बाहर चला जाए तो क्या जा सकता है? डू यू थिंक प्राइम मिनिस्टर इज सुप्रीम? वो मालिक है इस देश का, लेकिन क्या वो एसपीजी की सुरक्षा से बाहर जा सकता है? लेकिन तुम क्योंकि एक प्रधानमंत्री हो, अपने सिक्योरिटी गार्ड, अपने एसपीजी की सुरक्षा से बाहर चले जाते हो। तो क्या करना चाहिए? इस एसपीजी को स्ट्रांग बनाओ, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो तुम्हारे चारों तरफ लगा हुआ है, अगर इससे बाहर प्राइम मिनिस्टर गए तो उनके ऊपर हमला होगा। मेरे बच्चों, आज हमें यह सीखना है कि आज इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, इस सिक्योरिटी गार्ड को इतना ताकतवर बना देना है कि तुम सुरक्षित रहो। मेरे बच्चों, तुम सुरक्षित रहो, और इसके लिए याद रखना है, यह है सुप्रीम ब्रेन जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसके ऊपर कमांड करना है। तो सिर्फ तुम्हें एक ही जगह पर ध्यान रखना है, गेट पे। उस गेट के बाहर कोई भी गलत काम नहीं होने देना है, और इस ब्रेन पे कमांड करना है, तो सिक्योरिटी गार्ड को मजबूत करना। चलिए देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड कौन सा। देखिए आज क्या मैं बताऊंगा एक खास बात कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं आपको यह बोलूं कि आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में, तो आप कहोगे हाँ हमारे कंट्रोल में, क्यों? क्योंकि आप इसका मीनू जानते हो। जब चाहते हो ब्राइटनेस बढ़ा लेते हो, जब चाहते हो उसका वॉइस बढ़ा लेते हो, घटा लेते हो, जब चाहते हो स्विच ऑफ कर देते हो। अगर ऐसा मीनू दिमाग के अंदर भी आपको पता चल जाए, तो ऐसा मीनू अगर दिमाग के अंदर पता चल जाए मेरे बच्चों, तो आप जरूर कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन इससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको, ताकि आप लोग हर बार की तरह थोड़ा सा भौकाल होना चाहिए, नहीं तो आप भरोसा नहीं करोगे। ये सारा ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं, वो सबसे पहले, ऐसा तो नहीं कि पहला इंसान आप ही उसको ज्ञान दिया, पहले मैंने खूब ज्ञान दिया, जाकर के क्लास में पढ़ाया, इधर इंस्टीट्यूट में, उधर इंस्टीट्यूट में, खूब हिस्ट्री पढ़ाई, खूब ज्योग्राफी पढ़ाई, बौगला गए बच्चे पढ़ पढ़ के, और लास्ट में बंटा धार करके एग्जाम में आ जाते थे। इसके बाद हमने और थोड़ा छोटा ग्रुप बनाया और ट्रेन करने की कोशिश की, ये भी बंटा धार करके आ गए। फिर हमने कहा साला काई को गड़बड़ हो रहा है। मैं स्पेशलिस्ट से मिलना शुरू किए, लोगों से मिलना शुरू किए, आपके जो आंसर चेक करते हैं उनसे मिलना शुरू किए, यूपीएससी के मेंबर से मिलना शुरू किए, भाई तुम चाहते क्या हो। और फिर हम छोटे छोटे ग्रुप बना करके बच्चों से हमने ट्रेन करना शुरू किया, इनसे पता लगाया कि यार आखिर इनका क्या घोटाला है। और तब जाके मुझे पता चला कि ये पढ़ाई वढ़ाई तो छोड़ो, पढ़ाई तो ये सब कर ले रहे, ये बंटा धार करते हैं, क्योंकि ये अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाते। और जिन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल किया मेरे बच्चों, उनका हुआ सेलेक्शन। तो पिछले सेमिनार में ये ज्ञान दिया था मैंने तुम्हें, मैंने कहा था अगर आपको टॉप रैंक चाहिए, आईएएस टॉपर बनना है, तो आपका क्या सबसे नीचे सही होना चाहिए? माइंडसेट। ये क्या है? साइकोलॉजी। एटीट्यूड, मनोदृष्टि। क्या है? साइकोलॉजी। फिर आता है नॉलेज, नॉलेज के ऊपर भी स्किल, कौशल, और फिर सहयोग, और फिर मेंटर। मेरे बच्चों, ये सब आसान हो जाता है जब आपके पास एक बेहतरीन मेंटर हो, बेहतरीन मेंटर हो। याद रखना 80% रोल प्ले करते हैं ये, और 20% रोल करता है कौन? नॉलेज। और इसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल देता हूं मेंटर को। अब ये कह रहे होगे तुम लोग कि मेंटर का मतलब अपनी बड़ाई कर, अरे नहीं रे, मेंटर दो तरीके के हैं, मेंटर दो तरीके के हैं। एक है तुम्हारा इंटरनल गाइड, जिसको मैं सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा था मेरे बच्चों, वो इंटरनल है, इंटरनल गुरु तुम्हारा, और दूसरा एक्सटर्नल गुरु। याद रखना तुम्हें यहां पे क्यों लेके आया है, कौन लेके आया है, आज तुम क्यों यहां पे आए हो, तुम्हें पता है ये तुम्हारा इंटरनल गाइड लेके आया है। कहा है कि चलो ना देखते हैं शायद कुछ मिल जाए। ये कौन लेके आया तुम्हें? ये लेके आया है, तुमको अच्छी तरीके से पता ये मूवी तो नहीं चलने वाली है यहां पे। तुमको अच्छी तरीके से एक बात तो पता थी कि यहां पे कोई मनोरंजन तो बहुत ज्यादा होने वाला है नहीं। कौन लेके आया? इंटरनल गाइड। शायद गुरुजी कुछ बेहतरीन कर दें, शायद गुरुजी कोई सॉल्यूशन दे दें, इसीलिए तो तुम आते हो। मेंटर दो तरीके के हैं बच्चों,
इंटरनल और एक्सटर्नल। मैं कौन हूं? मैं एक्सटर्नल हूं। याद रखना, इंटरनल और एक्सटर्नल, मेरा पूरा उद्देश्य क्या होता है जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कि आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन कर, दोनों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाए मेरे बच्चों। और जब दोनों एक दूसरे से जोड़ देंगे, दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, तो तुम्हें इस धरती का कोई भी समस्या कुछ नहीं कर पाएगी। तो आज मैं इसके लिए नहीं आया हूं, जो पिछला सेशन था वो इसके लिए था, आज का सेशन है इसके लिए, तुम्हारे इंटरनल गुरु के लिए। इस इंटरनल गुरु को आज ताकतवर बना देना है मेरे बच्चों। मैं तो हूं ही तुम्हारे साथ में, लेकिन मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। मैं चाहे पूरी ताकत लगा दूं, मेरे बच्चों आपको 50 बार बोला कि सेल्फ मोटिवेशन अंदर से आता है, अंदर का मतलब है गुरु, अंदर का गुरु। अंडे पर मैंने कहा था, अंडे को अगर बाहर से फोड़ा जाए तो आमलेट बना सकते हो, लेकिन मुर्गा नहीं बन सकता, मुर्गी नहीं बन सकती, लेकिन जब अंदर से अंडा फूटता है तो लाइफ निकल के आती है, एक लाइफ, राइट। वो सांप भी हो सकता है, मुर्गा भी हो सकता है, गिद्ध भी हो सकता है, लेकिन दैट इज ए लाइफ। अंदर से ताकत आनी चाहिए। मैं आज इंटरनल पावर को स्ट्रांग करने आया हूं। याद रखना बच्चों, मैं तो हुई तुम्हारे साथ में, लेकिन अकेले मेरे बस की नहीं है। अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे, इसलिए तुम्हें मैं ताकतवर बनाने आया हूं आज, ठीक है। ये आपको पहले मैं बता दूं कि छात्रों को जो समस्याएं आती हैं, सम प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम, जो मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं वो किन समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिनको आज हमें दूर करना है मेरे बच्चों। देखो, समस्या नंबर एक ब्रेकिंग कमिटमेंट्स। आज कमिटमेंट तुम करते हो, ध्यान से सुनना, कि कल सुबह से मैं उठ जाऊंगा, कमिटमेंट टूटता है कि नहीं टूटता? आज तुम कमिटमेंट करते हो कि कल से मैं डेली एक आंसर लिखूंगा, कमिटमेंट टूटता है कि नहीं टूटता? आज से तुम डिसाइड करते हो कि मैं अब आज से 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, कमिटमेंट टूटता है कि नहीं टूटता मेरे बच्चों? एक दिन चलता है, दो दिन चलता है, तीन दिन चलता है, चार दिन चलता है, पांचवें छठवें दिन तक पहुंचते आप कमिटमेंट तोड़ देते हो। जिस दिन तुम मेरा सेशन अटेंड करोगे मेरे बच्चों, उस दिन तो ताकतवर फील करोगे, ऐसा लगेगा बुलेट डालूंगा मैं, फोड़ डालूंगा, लेकिन दूसरे तीसरे दिन तक तुम्हारा दिमाग फिर से वहीं पे पहुंच जाता है। वो घर के जो मालिक लोग हैं, उपद्रवी लोग, वो फिर से सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और उसको बोलते हैं, सुन, सैलरी तो मैं देता हूं तेरे को, चुभे जैसा बोलो वैसा कर। ये ब्रेकिंग कमिटमेंट्स एक समस्या है मेरे बच्चों। फिर दूसरी समस्या, नॉट एबल टू फोकस। जैसे ही आप बैठते हो, आपका दिमाग चिट 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 करना शुरू करता है, वो समस्याएं लेके आता है। अरे यार, पापा क्या सोचेंगे अगर मैं फेल हो गया तो? अरे यार, मैं क्या करूं यार, वो पिछला वाला एग्जाम अगर ठीक से दिया होता तो मेरा बहुत अच्छा होता। अरे यार, पिछले कितना टाइम मैंने खराब कर दिया यार। अरे यार, ये क्या कर रहा है? चिट 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 तुम्हारा दिमाग, फिर से वो मालिक, जैसे ही तुम फोकस करने के बैठते हो, अंदर के सारे चिट 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 शुरू कर देते और तुम फोकस नहीं कर पाते। सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम क्या है? ब्लेमिंग फैमिली। अब कुछ लोग इनमें से फेल हो गए, कुछ लोग फोकस नहीं कर पा रहे, तो ये क्या करते हैं, अपने आप को बचा लेते हैं, इनको अपने चारों तरफ के लोगों में दोष नजर आता है। वो जो भोंपू बजाते कुत्ते भौंक रहे ना गली में, उनके ऊपर गुस्सा आता है कि साला भौंक रहा है इसलिए फोकस गड़बड़ हो रहा है, ये टीवी चला देते इसलिए फोकस गड़बड़। अरे नहीं रे, तू बहाने ढूंढ रहा है, फोकस तो इंटरनली प्रॉब्लम है मेरे बच्चे। वहीं पर जरा गेम खेल के देखना, जब गेम खेलते तब तो तुम्हारा फोकस न गड़बड़ाता, तब तो कुत्ते भौंके, तब तो शेर दहाड़ दे, सांप फुंकार दे, तब तो तुम्हें कुछ ना होता। ये ब्लेम गेम बंद करो और दिमाग के चोचले से समझो, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल। 4-5 दिन के बाद ऐसा लगता है, यार मेरे बस की नहीं है अपने आप को कंट्रोल कर पाना, मेरे बस की नहीं है, और उसके बाद घबराहट शुरू हो जाती है, एंजाइटी, फियर, डर लगने लगता है मेरे बच्चों, अनकंफर्टेबल फिजिकल सेंसेशंस आते हैं, पसीना छोड़ने लगता है, किसी का बीपी डाउन होने लगता है, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, पैनिक अटैक किसी किसी को आ जाता है, और ये लंबे समय तक चले तो मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है। ये सारी समस्याएं, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, क्वेश्चनिंग योर सेल्फ वर्थ। आप कहना शुरू कर देते हो कि मैं तो बेकार, मेरी जिंदगी बेकार,
मैं शायद कभी भी जीतने के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूं। जब ऐसे क्वेश्चन आपका दिमाग, सोचो वो मालिक जिस जो डर, घबराहट, नफरत, लव, मोहब्बत, ये लोग पहले तुम्हारा टाइम खराब करते हैं, तुम्हारी फोकस को खराब करते हैं और फिर तुमसे क्वेश्चन उठाते हैं कि अरे सुन सिक्योरिटी गार्ड, तू किसी काबिल नहीं है, तू नहीं रोक पाए ना झगड़े, तू किसी काबिल नहीं है, तू बेकार है, तू गधा है, तू निकम्मे है, नालायक, ये गाली देते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड को जिस दिन भी ये लगने लगा कि सही कह रहे हैं मालिक, हमको तो इन्होंने पैसे पे रखा था लेकिन हम नहीं बचा पाए इनको, हमारा सेल्फ वर्थ, हम तो बेकार है, हम तो गधे हैं, हम तो मूर्ख हैं, ये बच्चों जब क्वेश्चन करने लगता है उस समय समझ लेना आप तुम्हारी हार निश्चित है, हार निश्चित है। तुम सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो, तुम हो SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। तुम्हें ट्रेन किया गया है, तुम्हें ट्रेन किया गया इस पूरे बॉडी को संभालने के लिए। तुम हो असली मालिक, प्राइम मिनिस्टर इस कंट्री का मालिक हो सकता है लेकिन SPG प्राइम मिनिस्टर का मालिक है, उसके परमिशन के बगैर प्राइम मिनिस्टर गाड़ी से निकल भी नहीं सकता। देखा था ना अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब फंसे थे वहां पे पंजाब में, निकल के काहे नहीं घूमने लगे, काहे नहीं चले गए जनता के बीच, SPG बोला बैठ जा, बकवास बात नहीं, तेरी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, तो तुम मालिक हो, ये सिक्योरिटी गार्ड इस शरीर का मालिक है मेरे बच्चों। लेकिन जिस दिन प्राइम मिनिस्टर SPG को ब्लेम ठोकने लगे उस दिन क्या होगा, है तो फिर प्राइम मिनिस्टर मालिक ही। ध्यान रखना, सफरिंग फ्रॉम निगेटिव टॉक्स, आपका दिमाग लगातार निगेटिव बातें करना शुरू कर देता है, निगेटिव बातें करना शुरू कर देता है। नॉट एबल टू रिस्टार्ट द वर्क वंस यू लीव, एक बार काम छोड़ देते हो तो दोबारा शुरू ही नहीं होता। ऐसा गेम में तो नहीं होता है, ये पढ़ाई में ही काय को होता है, हैं? गेम तो खेलते तुम्हें तुरंत स्टार्ट हो जाता है, मूवी तुरंत जहां से बंद किए ना वहीं से फिर से शुरू हो जाता है, सीरियल वेब सीरीज तो वहीं से शुरू हो जाता है, कि पढ़ाई का को नहीं शुरू होती। ये समझना है गेम को, राइट? इवन इफ यू नो व्हाट इज राइट, येट यू आर नॉट डूइंग, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स। तुम्हें पता होता है बीड़ी पीना गलत है, तुम्हें पता होता है गुटखा खाना गलत है फिर भी गुटखा खा लेते हो, तुम्हें पता है दारू पीना गलत फिर भी दारू पी लेते हो, तुम्हें पता है कि ये लड़की तुम्हें तुम्हारा यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है, अब्यूज कर रही है, इसके बावजूद अगले दिन तुम उसकी मोहब्बत में पागल हो, ये साहब क्या है, यू नो व्हाट इज राइट, तुम्हें पता है इससे दूर जाना तुम्हारी भलाई है लेकिन तुम जा नहीं पाते, क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड ताकतवर नहीं है मेरे बच्चों, सिक्योरिटी गार्ड ताकतवर नहीं है। मालिक लोग अपना एंजॉय कर रहे हैं, मचा रहे हैं, फियर ऑफ टेकिंग ए डिसीजन, कुछ दिन के बाद तो यह हालत आ जाती है कि आप डिसीजन लेने से डरने लगते हो, आपको लगता है डिसीजन लूंगा वैसे भी पूरा नहीं होने वाला तो काय को लूं, अरे चोचले हैं, फीलिंग दैट नोबडी लव्स मी, और कुछ दिन के बाद तो तुम्हारी हालत ऐसी हो जाए तुम्हें लगता है कोई तुम्हें प्यार ही नहीं करता, तुम जहां जाते हो लोग तुम्हारा यूज कर लेते हैं और फिर तुम लोगों से मिलना जुलना बंद कर देते हो, लोगों से बात करना बंद कर देते हो मेरे बच्चों, लोगों का फोन उठाना बंद कर देते हो कहीं कोई पूछ न ले। और UPSC के केस में बहुत बुरी तरीके से ये सिचुएशन आती है, जब कोई 2-3 साल तैयारी कर लेता है मेरे बच्चों तो अपने रिलेटिव से नहीं मिलता, अपने दोस्तों का फोन उठाने से डरता है कहीं कोई पूछ न ले कि अबे काय को इतना साल लगा रहा है, गांव वाले पूछने लगते हैं कब तुम्हारा कोर्स खत्म हो रहा है बे। ऐसा ऐसी सिचुएशन हर एक UPSC एस्पिरेंट के लाइफ में आती ही है मेरे बच्चों, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में ना आए, क्योंकि बाकी के जीवन में तो मुझे नहीं पता कोई है या नहीं है लेकिन तुम्हारे जीवन में मैं हूं। एकदम सिंपल, मैं खुद 21 साल पहले इन सारी चीजों से सफर कर चुका हूं और इनसे मैं जीता हूं, तो तुम भी, तुमको भी इससे मैं बाहर निकालूंगा आज के आज अगर तुम मेरा साथ दोगे तो, ठीक है? तो चलिए, कौन है इन सब का जिम्मेदार, कौन है इन सब का जिम्मेदार? इन सब का जिम्मेदार है तुम्हारा एक, इसको कहते हैं डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। इसको कौन, क्या कहते हैं? डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। ये जो चौकीदार है गेट पे है, इस चौकीदार को
अंदर से मैसेज मालिक लोग भेजते हैं, मालिक लोग अंदर से मैसेज भेजते हैं, मेरे बच्चों तुम्हें याद रखना है तुम्हारा जो सिक्योरिटी गार्ड है जो सारे मैसेजेस को रीड करता है पढ़ता है उसे ये एहसास होना चाहिए कि वो मालिक है, वो इन जो अंदर बैठे लोग हैं इनका सिक्योरिटी गार्ड है, इनका इनका कहना वही मानेगा जो इनके लिए सही होगा। अंदर से वो कहता है मूवी देखना है, मैसेज आया टक्स, ए तू बेकार इंसान है, अंदर से सोचो तुम्हारे मजे ले रहा है मालिक अंदर बैठ के, सिक्योरिटी गार्ड बोलता है तू बेकार है तू गधा है, हो जिस दिन तुम्हें भरोसा हो गया हाँ तू गधा है उस दिन गया। ये सब कैसे मैसेज होते हैं, ये जो अंदर से मालिक लोग मैसेज दे रहे हैं कौन से मैसेज हैं ये, इनको कहा जाता है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। क्या सिक्योरिटी गार्ड को इन मैसेजेस पे ध्यान देना चाहिए? हाँ, अगर अंदर से कोई मालिक ये कहे तू तो शेर है तू तो मेरी रक्षा करता है सुनो, लेकिन वो कहता है सुन मूवी देखना है दिखा, सिक्योरिटी गार्ड अपने एक्शन में आ जाएगा, वो सुन मूवी नहीं देखने का क्योंकि तू आईएएस की तैयारी करने आया, चुप बैक, ए सुन उसको फोन लगा दूं क्या है बिमला को, अरे बड़ा मन कर रहा है बात करने का, चुप बैठ, इस समय पढ़ाई करेगा बिमला को फोन नहीं कर सकता तू, समझ गया? तो चुपचाप, ये जो डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज है ये है कल्प्रिट, ये है अपराधी। इस मैसेज को जब तक तुम हैंडल करते रहोगे मेरे बच्चों तब तक तुम बच नहीं सकते, तो चलिए देखते हैं कि ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज कैसे तुम्हारी आदत में आ जाता है। ये जो मालिक लोग हैं याद रखना जो मैसेज डालते अगर वो सिर्फ मैसेज ही रहे तब तो ठीक रहे, लेकिन उस मैसेज के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड एक्शन लेता है धीरे धीरे वो आदत में बदल जाता है मेरे बच्चों। चलो एक प्रोसेस दिखाते हैं आपको, इस प्रोसेस के हिसाब से हेब्स का लॉ है, ये साइकोलॉजी में एक लॉ है, लॉ क्या कहता है, ब्रेन सेल्स विच फायर टूगेदर वायर टूगेदर। आपको पता है हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन लाइट अप होते हैं, जब हम मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं ना बच्चों तो मैथ्स वाला ब्लॉक लाइट अप हो जाता है, वहां के सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री वाले ब्लॉक के सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। मेरे बच्चों जब सेल्फ टॉक निगेटिव होता है निगेटिव, तो निगेटिव टॉक के सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ जाते हैं। कभी सोचा है कैसे काम करते हैं, वैसे ही काम करते हैं दारू पीने वाला, एक इंसान जब दारू पीता है पहले दिन तो उसे उतना दिक्कत नहीं होती, पहले दिन वो परेशान होता है दारू अच्छा भी नहीं लगता, जब उसे दारू पीता है तो दारू पहुंचता है ब्रेन के सेल्स में, ब्रेन सेल्स को मजा आता है वो आपस में कनेक्ट हो जाती है, जिनको जिनको मजा आता है आपस में कनेक्ट हो जाती है राइट। दूसरे दिन फिर दारू पीता है वो ब्रेन सेल और आपस में जुड़ जाती हैं, उनकी वायरिंग और स्ट्रांग हो जाती है। तीसरे दिन फिर जब दारू पीता है ना इंसान तो फिर वो स्ट्रांग हो जाती है। जब ऐसे वो एक महीने तक करता रहता है तो अब ब्रेन की जो न्यूरॉन्स की सेल्स हैं वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है बच्चों कि जब आप 31वें दिन कहते हो कि अब मैं दारू नहीं पीऊंगा, गंगा की सौगंध, मुझे मेरे बच्चे की कसम, मेरे बाप की सौगंध, मेरी बीबी की सौगंध, हनुमान जी की कसम, मैं आज कल से दारू नहीं पीऊंगा, अब वो ब्रेन कहता है बे सुन बे तूने हमें बनाया है नशेड़ी, अब तुम्हारी ऐसी की तैसी हमको दारू दे, अब तो कहते हैं हम दारू नहीं पिएंगे साहब प्लीज, बोला किसने बनाया हमको राक्षस, तूने बनाया है ना हमको राक्षस, अब हमको दारू दे, अगर दारू ना मिले तो क्या होगा, हड्डियों में दर्द पैदा कर देगा, बोलेगा दारू दे। बच्चों ये होती है हैबिट, कौन क्रिएट किया इसको, तुमने क्रिएट किया, याद रखना ब्रेन सेल्स को दारू में और निगेटिव टॉक्स में कोई अंतर नहीं है, जरा सोचो क्या होता है, जरा सोच, तुम्हारे दिमाग में सिग्नल आया कि तू नहीं कर सकता, तुमने उसे सीरियसली लिया, नहीं कर सकता, हाँ भाई लगता है नहीं कर सकता, तो क्या हुआ, नहीं कर सकने वाले जो न्यूरॉन्स थे आपस में वो जुड़ गए। फिर अगले दिन सिग्नल आता है, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की नहीं यूपीएससी, फिर अगले दिन न्यूरॉन्स और स्ट्रांग हुए, हाँ यार तू सही कह रहा है, अभी भी तुम्हारा दिमाग लड़ रहा होगा नहीं नहीं यार मैं कर लूंगा। तीसरे दिन फिर सिग्नल आता है, फिर तुमने उस सिग्नल पे ध्यान दिया, स्ट्रांग और हुआ। जब एक महीने डेढ़ महीने दो महीने तक तुम निगेटिव सिग्नल्स निगेटिव मैसेजेस सुनते रहते हो उसकी प्रोसेसिंग कर रहे होते हो तो ये ब्रेन का सिग्नल स्ट्रांग हो गया और अब
जब तुम 1.5 महीने 2 महीने के बाद कहते हो मैं कर सकता हूं, तब तक ये निगेटिव वाला जो सिग्नल है ये काफी मजबूत हो चुका है। कहता है नहीं कर सकता। कहता क्यों नहीं कर सकता? बोला नहीं कर सकता। बोला क्यों नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। क्यों? किसने बनाया इस हैबिट को? किसने बनाया इस राक्षस को? किसने भी बनाया इस दिमाग की वायरिंग को? हमने बनाया मेरे बच्चों, हमने बनाया। हमें समझना होगा कि हमारी हर एक हरकत, हर एक निगेटिव थिंग जो हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में एक वायरिंग को जन्म देता है। जो आदमी ब्रेन की एक्टिविटी को समझ गया मेरे बच्चों, वही जीतेगा, वही जीतेगा। तो मैं यहां पे सिर्फ तुम्हें अवेयर कर रहा हूं कि सोच के सोचो मेरे बच्चों, सोच के सोचो। क्यों बोलता हूं निगेटिव कंपनी छोड़ दो? उस दिन बोला था ना सेमिनार में, छोड़ दो ऐसे लोगों को जो निगेटिव बात करते हो, छोड़ दो ऐसे लोगों को जो हार की बात करते हो, साथ रहो उनके जो जीत की बात करते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे दिमाग के वायरिंग गलत हो गई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। जैसे दारूबाज तड़प रहा होता है, उसे शेल्टर में जाना पड़ता है। आज तुम भी इस शेल्टर में आए हो, इस शेल्टर में आए हो बच्चों। अगर उस दारूबाज को लेकिन कितने दिन लग जाते, क्या मैं कोई भगवान हूं जो एक दिन में तुम्हारे सब ठीक कर दूंगा? लेकिन हम मिलके ये कर लेंगे। तो याद रखना, ब्रेन सेल्स विच फायर टूगेदर वायर टूगेदर। अगर एक थॉट आ रहा है तो वो पॉजिटिव हो तो ही उसको प्रोसेसिंग करो, निगेटिव थॉट को तो जाने भी मत देना अंदर दिमाग के, जाने भी मत देना। बच्चों कैसे करते हैं ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो हैबिट कैसे होती है। हैबिट क्या होती है? देखो हैबिट तो होती है जब कोई काम आप करने लगते हो। जैसे कोई आदमी ऐसे 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 हाथ कर रहा है, उसे हैबिट कहेंगे। बात बात पे ऐसे ऐसे कर, हैबिट कहेंगे। हैबिचुअल रिस्पॉन्स क्या होता है? एक थॉट आता है तो रिस्पॉन्स। जैसे आपके मन में ये बात आई कि यार लाओ पढ़ाई किया जाए, है ना? जैसे मन में आया लाओ पढ़ाई किया जाए, अब पढ़ाई तो नहीं होगी, उसी समय मन करेगा दारू पीते। फिर से तुमने कहा आओ पढ़ाई किया जाए, दिमाग कहेगा दारू पीते। तो जब जब पढ़ाई की बात होगी रेस्पॉन्स क्या रहा है? दारू पीना। तो ये होता है हैबिचुअल रेस्पॉन्स बच्चों, राइट? याद रखना हैबिचुअल रेस्पॉन्स ही है जो खतरनाक है। डिसेप्टिव ब्रेन में से जाएगा और आपको एक रेस्पॉन्स के लिए विवश करेगा। कारण कारण क्या है बच्चों? क्या कारण है इस डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज का? तो तीन कारण है। पहला कारण क्या है कि तुम डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को सुन लो। अगर तुम डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को सुनते हो तो खतरनाक है कि नहीं है, पहला कारण। और अगर तुम्हारी डिजायर जो सक्सेस की है वो वीक है, स्ट्रांग नहीं है। आईएएस इसलिए कहता हूं, क्यों पता हो? अगर तुम्हें ये पता हो कि क्यों तुम आईएएस तैयारी कर रहे हो ना, तो तुम्हारी डिजायर इतनी स्ट्रांग होगी। मैंने क्या कहा था उस दिन कि जब एक टाइगर एक गाय के बछड़े पर अटैक करता है तो उसकी मां के पास उस टाइगर से लड़ने के लिए सिर्फ एक ही चीज होता है, वो होता है क्यों। अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लड़ता है। इतनी स्ट्रांग डिजायर होगी तो तुम्हारी ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये डिजायर वीक रही तो भाई साहब आपका डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आपके दिमाग को ब्लॉक करेगा, आपको वो ऐसे काम करने पर मजबूर करेगा जो सक्सेस की तरफ नहीं जाता है। तो पहला डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज के चपेट में आ जाना, ये है कारण। दूसरा केमिकल इंबैलेंस। बहुत बार आपको पता है स्पेशली लड़कियों में महीने में 4-5 दिन केमिकल इंबैलेंस जो गड़बड़ होता है मेरे बच्चों, उस समय सतर्क रहना, क्योंकि केमिकल इंबैलेंस की वजह से समस्या आती है। सतर्क रहना, निगेटिव थॉट्स आते हैं, सतर्क रहना, दे आर जस्ट अ मैसेज, वो केमिकल इंबैलेंस की वजह से है। या फिर आपके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। कभी आपको किसी को कोरोना रोना हो जाता है, देखना जिनको कोरोना हो गया होगा उसके खूब निगेटिव थॉट्स आते हैं, खूब निगेटिव आते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता, दिमाग बौगला जाता है। ये सब किस वजह से है? ये केमिकल और न्यूट्रिशन की कमी से है मेरे बच्चों। ऐसे तरीके में रिवाइटल खाओ, मजबूती से जियो, एक्सरसाइज करो, सॉल्यूशन बताऊंगा मैं। लेकिन ये क्या है, कारण बता रहा हूं कि किस किस सिचुएशन में हमारा दिमाग हमारे ऊपर हावी हो जाता है। पहला है जब हम अवेयर ना हो तो डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज घुस जाता है, जब हम जागरूक ना हो या फिर हमारी जो इच्छा शक्ति है वो कमजोर हो। दूसरा है ब्रेन में केमिकल इंबैलेंस हो जाता है,
मैं लड़कियों का एग्जाम्पल दिया और दूसरा बीमारी का एग्जाम्पल दिया, बीमारी में भी ऐसा होगा कि आपका दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आपको काम नहीं करने देना। तीसरा है आइडेंटिफिकेशन, मेरे बच्चों ईगो। आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप किसी पार्टिकुलर समूह से जुड़े हो। जैसे फेल्ड पीपल के लोग सके साथ में रह के, जो सारे फेल्ड लोग हैं जिनके बस की नहीं, जो हमेशा बैंकिंग तैयारी कर रहे होते हैं, उनको पता है कि यूपीएससी नहीं हो सकती, तो उनके बीच जब रहते हो तो उनको तो पहले से विश्वास है कि यूपीएससी उनके बस की नहीं है। तो कितने दिन आप झेल लोगे? जब आप भी उन्हीं के साथ रह रहे हो तो क्या होगा? धीरे धीरे आप भी इस बात को विश्वास करने लगोगे कि यूपीएससी शायद मेरे बस की नहीं है, इतने लोग कह रहे हैं तो क्या गलत है? तो याद रखना किस ग्रुप के साथ हो यह भी मैटर करता है। याद रखना पुअर पीपल, पुअर क्या होता है? ऐसे गरीब लोग के बीच में जब आप रहते हो जो रोज अपने दिन भर के खर्चे की बात करते हैं और कुछ नहीं बातें करते हैं, अगर इनके साथ रहते हो कॉन्टिन्यूसली तो भी समस्या बन सकती है बच्चों, क्योंकि ये आपको कहेंगे अरे यार छोड़ ना, नौकरी कर ले छोटी मोटी। इसके बाद है रिलीजन, कास्ट, आपका धर्म, आपकी जाति, आपका क्षेत्र, आपका लिंग, आप मेल हो या फीमेल, ये सब हो सकता है आपके सक्सेस में रोड़ा पैदा करे। कभी कभार लड़कियां सोचती है चूंकि वो लड़की है इसलिए कुछ नहीं कर सकती है। बकवास मेरे बच्चों। एक महाराष्ट्र मराठी सोचता है, वो महाराष्ट्र के एक गरीब क्षेत्र से बिलोंग करता है इसलिए कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शायद आईएएस नहीं बन सकता। मेरे बच्चों ये गलत है, ये गलत है। गोविंद जायसवाल रैंक 48, वो बनारस में एक रिक्शेवान का बेटा था मेरे बच्चों, वो तो आईएएस बन गया। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला बच्चा जिसके पास घर तक नहीं था, कपड़े के टेंट में रहता है, वो तो आईएएस बन गया। वो लड़की जिसका पति छोड़ दिया, जिसका बच्चा है 4 साल का, वो नौकरी छोड़ के आती है, तैयारी करती है 2 साल, वो तो आईएएस बन गई। अरे मेरे बच्चों ये गरीबी, ये सारी चीजें क्या है? ये तुम्हारी सिर्फ रुकावटें हैं, ये रुकावटें हैं। अगर किसी ने भी अपने आप को इन चीजों से जोड़ा मेरे बच्चों, तो उसका दिमाग डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज भेजेगा कि नहीं भेजेगा। वो मालिक अंदर से क्या कहता है सिक्योरिटी गार्ड को? अंदर सिक्योरिटी गार्ड कहता है हम तो गरीब है, हम नहीं बन सकते साहब, आपको समझ में आया? सिक्योरिटी गार्ड कहता है चुप, बकवास बंद कर। हैं, सोचो ना कि प्राइम मिनिस्टर एक दिन बैठा हो और पंजाब में और कहे कि यहां से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है 10 किलोमीटर है, एसपीजी से बोले तू मुझे बचा नहीं सकता। एसपीजी क्या बोलेगा? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी आप अपना काम करो, चुपचाप बैठ जाए अंदर, हम देख लेंगे हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, तुम अपना काम करो, तुम ज्ञानी मत दो। वो लोग कहेंगे कि नहीं कहेंगे एसपीजी वाले। एसपीजी का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा। प्राइम मिनिस्टर इज नॉट रेस्पॉन्स, प्राइम मिनिस्टर ये भी नहीं कह सकता कि उसकी सुरक्षा मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, हमें जो ड्यूटी दी गई हम जानते हैं हम क्या करेंगे मेरे बच्चों। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर बीच में चिट 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 करता रहे और तुम विश्वास कर लो तो इस बात पे, तुम गरीब हो, कमजोर हो, संख्या में कम हो, ये सब मैसेज अगर देने लगे एसपीजी को, तो और एसपीजी को अगर भरोसा हो जाए इन सब बातों पे, तो क्या वो प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा मेरे बच्चों। ये चीज आपके सक्सेस में बीच में नहीं आना चाहिए। तुम गरीब हो, बकवास, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जो आईएएस बना है। तुम एक गरीब उड़ीसा के किसी गांव से बिलोंग करते हो जहां पे कोई पढ़ा लिखा नहीं है, यू कैन डू, क्योंकि ऐसे कई सैकड़ों लोग कर चुके हैं। तुम फीमेल हो, मेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना मेरे बच्चों, तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम इस मैसेज पे जो अंदर से आ रहा है बस उस पे ध्यान मत देना। इसलिए कंपनी अपनी साथ रखो सक्सेसफुल लोगों की, हमेशा उनकी जीवनी पढ़ो जो आगे बढ़ चुके हैं मेरे बच्चों। याद रखना ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये भी सॉल्यूशन, में तीनों का सॉल्यूशन मैं आगे बताने जा रहा हूं। अब देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है जब आप डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज पे ध्यान देते हो। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आया और बोला ए तुझे पता है ये जो बगल में भैया रहते हैं ना, 3 बार इंटरव्यू दिए हैं यूपीएससी का, IITN है, इनका नहीं हुआ तो तेरा कैसे होगा? ध्यान से सुनना, मैसेज आया, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आया, अंदर से आया, अंदर से मालिक ने मैसेज भेजा, सिक्योरिटी गार्ड को पता चला,
बात तो ये सही कह रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा बात सही कह रहे, अचानक तुम पसीना छोड़ने लगते हो, अनकंफर्टेबल फिजिकल इमोशनल सेंसेशन, पसीना छोड़ने लगते हो, घबराहट चढ़ जाती है, बीपी डाउन होने लगती है, और अब उठ के आप किताबें बंद करते हो, उठ के भागते हो, भागते भागते अनहेल्दी बिहेवियर में आते हो और तुरंत दारू निकालते हो और एक बोतल दारू मारी झगझगा के, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, थोड़ा सा हल्का सा डाउन हुआ नीचे और तुम आराम से सो गए। वाओ, तुम्हें लगा वाओ कंफर्ट मिला, कंफर्ट मिला। अगले दिन फिर मैसेज दिया इसने, ए तुझे पता है ना कि बगल वाले भैया IITN है, तुझे पता है ना बगल वाले भैया IITN है ना, ये फेल हो रहे हैं तो तू भी तो फेल हो सकता है। फिर वही अनकंफर्टेबल फिजिकल सेंसेशन, फिर अंधी अनहेल्दी बिहेवियर, फिर दारू पिए या भाग के किसी दोस्त के पास चले गए या मूवी देखने लगे। या मेरे बच्चों याद रखना, ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो तुम, अपनी एक हैबिट बना रहे हो, गलत हैबिट को जन्म दे रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने इस मैसेज को सुन लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने इस मैसेज पे विश्वास कर लिया, सिक्योरिटी गार्ड ने इस मैसेज पे विश्वास कर लिया। सिक्योरिटी गार्ड को यह क्वेश्चन कभी नहीं आया कि ऐसे हजारों IITN है जो सेलेक्ट भी तो हुए हैं बे, क्या यही भैया हो सकता है, इनसे कुछ गलती हुई, भी तो क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन वो नहीं सोचा, उसने सिर्फ विश्वास कर लिया और फिर ये गलत रेस्पॉन्स, मेरे बच्चों गलत रेस्पॉन्स। और इस तरीके से इफेक्ट होता है इमोशनल सेंस। देखो कौन कौन सा इफेक्ट होता है। क्या आप लोगों में से कोई भी ऐसी समस्याओं से ग्रसित हो रहा है? असहज संवेदनाएं, अनकंफर्टेबल सेंसेशंस, ऐसे ऐसे घबराहट सी होती है, चिंता, एंजाइटी भाव, चिंतित हो जाते हो, एकदम चेहरे पे एकदम निराशा नजर आने लगती है, पेट में गड्ढा घूमने लगता है, गुल 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 गुल, है ना, सीने में जकड़न, सांस फूलने लगती है, पसीना आने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है, गुस्सा आ जाता है, सीने हाथ या चेहरे में गर्मी चढ़ने लगती है, पसीना पसीना हाथों में आने लगता है, उदासी छाने लगती है, थकान हो जाती है। तुमने देखा होगा कभी, तुम बड़े एनर्जेटिक होते हो, हल्का सा निगेटिव थोड़ा था, अचानक तुम थक जाते हो, डर लगने लगता है, असहाय हो जाते हो, निराशाजनक महसूस हो जाता हो, करने लगते हो अंदर से, और किसी सुखद चीज की शारीरिक लालसा होने लगती है, और मन करता है दारू पी लूं, मन करता है मूवी देख लूं, ऐसी लालसाएं आने लगती हैं अंदर से, ऐसी यार, क्योंकि आप उससे बचना चाहते हो। मेरे बच्चों ये सेंसेशंस किसकी वजह से आए? सिर्फ उस डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज की वजह से आए जिसको उस मालिक ने, हमारे मालिक ने, अंदर के मालिक ने भेजा था। मेरे बच्चों अंदर के मालिक ने जो भेजा था और सिक्योरिटी गार्ड ने उस मैसेज को, मैसेज पे भरोसा कर लिया था। मेरे बच्चों उस मैसेज पे भरोसा कर लिया, और इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर लगातार वो मैसेज आता रहे, अगर लगातार डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज पे आप भरोसा करने लगो, तो ये आएगी, मैं मूर्ख हूं, मैं गधा हूं, मैं पागल हूं, कोई मोटा कह दे ना आपको, मैं मोटा आदमी हूं इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं काला हूं इसलिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, मैं जहां भी जाता हूं लोग मेरा गलत इस्तेमाल करते हैं, मुझे धोखा देते हैं और मुझे अपनी जिंदगी से फेंक देते हैं, मेरा जीवन ही बेकार है। ये सारे रिजल्ट है। कहानी शुरू हुई थी छोटे से, और आज तुम अपने ऊपर प्रश्न उठाने लगते हो। मेरे बच्चों अपने ऊपर प्रश्न उठाने लगते हो, ये रिजल्ट है। और फिर कौन बना पाएगा तुम्हें IAS? कौन बना पाएगा तुम्हें IAS? कोई नहीं बना। गधे आदमी को कौन IAS बना पाया? पागल आदमी को कौन IAS बना पाया? एक मोटा आदमी जो दिन भर ही सोचता रहे कि वो मोटा है, उसको कौन IAS बना पाया? एक आदमी दिन भर ये सोचता रहे कि वो काला है इसलिए अनसक्सेसफुल है, उसे कौन IAS बना पाया है? मेरे बच्चों इन सब से मुक्त होके जब आगे बढ़ोगे तभी जीतोगे। लेट्स फाइट इट बैक, आओ आओ इससे एक बार जंग कर लेते हैं। मेरे बच्चों आओ एक बार इससे लड़ लेते हैं। देखो आपके दिमाग के अंदर एक होता है वाइज एडवोकेट, जिसको कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड, जिसको मैं कहता हूं। ये जो वाइज एडवोकेट है ना, ये सिक्योरिटी गार्ड है बच्चों, जो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। साइकोलॉजी में से क्या कहते हैं? वाइज एडवोकेट। ये तीनों पे निगरानी करता है, ये अनअवेयर माइंड। तुमको पता है कि जब तुम कोई हेल्दी बिहेवियर नहीं कर रहे तब भी तुम्हें एक आवाज आ रही होती है अंदर से। कौन सी आवाज होती है? तू गलत कर रहा है, दारू मत पी। ये कौन बता रहा होता है? वाइज एडवोकेट।
ये वाइज एडवोकेट है मेरे बच्चे जो ये बता रहा होता है। जब तुम कहते हो कि तुम गरीब हो, उस समय भी एक अंदर से आवाज आ रही होती है, कभी तुम सुनना, नहीं नहीं यार, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो कर पाए, लेकिन अंदर के जो सिग्नल होता है इतना स्ट्रांग होता है कि इस आवाज को वो दबा देता है। हमें इस वाइज एडवोकेट की बात को सुनना पड़ेगा। तो आओ कंट्रोल करते हैं माइंड को और देखते हैं कैसे किया जाए कंट्रोल। अब हम आपके दिमाग के अंदर चलते हैं मेरे बच्चों और देखते हैं आपके दिमाग के अंदर क्या दो चीजें हैं, क्या दो चीजें हैं जिनको अगर आप कंट्रोल कर लो तो काम हो जाए। देखो आपके दिमाग का ये वाला जो पोर्शन है मेरे बच्चों, ये वाला पोर्शन ये सबसे बाद में बना है, सबसे बाद में इंटेलेक्चुअल्स हैं। देखो यहां पे इसमें दो सेंटर होते हैं, दो सेंटर होते हैं, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर और दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट सेंटर। सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर और सेल्फ असेसमेंट सेंटर, ये सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर किसका प्रतीक है? उसी मालिक का प्रतीक है। ध्यान रखना मेरे बच्चों, ये मालिक है। अंदर जो फियर, देखो ध्यान से, इंपल्सेस, लव, ग्रीड, एंजाइटी, नेगेटिव टॉक्स, ईगो, ये सब कौन है? ये है सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर, इसको प्रतिनिधित्व करता है। और सेल्फ असेसमेंट सेंटर ये है मेरे बच्चों ट्रू इमोशंस। जब आपको उंगली कोई कूच दे, आपको कोई चुटकी काट के निकल जाए तो आपको दर्द होता है ना, तो दर्द होता तो असली में रोने का मन करता है, ये सेल्फ असेसमेंट सेंटर से आता है। ये क्या कहता है? ये सिर्फ फीलिंग कर लेता है ना कि चुटकी कोई काटेगा तो मुझे दर्द होगा और रोने लगता है, वो ये करता है। असली में चुटकी काटने पे अगर दर्द होता है तो वो ये करता है। सेल्फ असेसमेंट सेंटर ये है लॉन्ग टर्म गोल। आईएएस बनने का सपना कौन देखता है मेरे बच्चों? ये असली में जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करता है कौन करता है? ये आईएएस पीसीएस आईपीएस बनने का लक्ष्य कौन रखता है? ये हमेशा जीवन के सकारात्मक पहलू को देखता है, ये हमेशा आपके अंदर के वर्थ को जानता है। तुमको पता है सपने में देखना हीरो कौन होता है? तुम। तुम्हारे सपने में शाहरुख खान भी क्यों ना आ जाए, लेकिन सपने में कौन होता है किंग? वो होते हो तुम। कहीं भी रंगमंच पे जब जाते हो और आप देखते हो कि फिल्म की दुनिया के लोग आए हैं, तो आप क्या सोचते हो? मैं कभी इतना बड़ा आदमी बनूंगा कि अमिताभ बच्चन भी आएगा और मुझे सैल्यूट मारेगा। ये क्या है? ये है सेल्फ असेसमेंट सेंटर मेरे बच्चों। ये सेल्फ वर्थ दिखाता है। ये क्या कहता है? ए, तू देखना एक दिन जैसा तू जा रहा है, एक दिन तू भीख मांगेगा, है ना? ये करता है, ये करता है। गिल्टी फीलिंग ये कराता है। कांड कौन कराता है? ये कराता है। कांड यही कराता है, गिल्टी फीलिंग यही कराता है, निगेटिव थॉट्स भी यही डालता है। ये है असली, ये हो तुम, ये हो तुम और ये है तुम्हारी आत्मा। वाइज एडवोकेट, ये है तुम्हारी आत्मा। ये निकम्मा जो पार्ट है तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे दिमाग का, ये सबको परेशान करके रखा है। आओ इसको धूल चटाते हैं मेरे बच्चों, आओ इसको उठा उठा के पटकते हैं मेरे बच्चों। ये सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर है जो हमें गिल्टी फीलिंग कराता है। हमें दुश्मन मिल गया, हमें पता चल गया निकम्मा नालायक गधा जो हमें परेशान कर रखा है, वो ये है सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर। क्या तरीका है इसका, कैसे इसको धूल चटाया जाए? कैसे? बहुत ही सिंपल सा धूल है चटाने का इसको तरीका, बहुत ही सिंपल सा। चलो मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। जब आप लोग जब जिम जाते हो, जिम, और मान लेते हैं आपको ये वाला हाथ मजबूत करना है, तो आप क्या करते हो? आप डंबल उठाते हो और इस हाथ पे डंबल देते हो, तो पैक नहीं होता बच्चों, हैं? तो इसकी मसल्स मजबूत होती है, लेकिन इस पे हाथ पे अगर डंबल ना चलाओ तो क्या मजबूत होगा? ये मजबूत नहीं होगा। आओ चलो, यही याद रखना, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर ब्रेन सेल से मिलके बना हुआ, सेल्फ असेसमेंट सेंटर भी ब्रेन सेल से मिलके बना होता है। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, एक डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आता है। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज कौन डाल रहा है? ये डालता है। अच्छा खासा पढ़ाई तुम्हारी चल रही है, ध्यान से देखना, अच्छा खासा पढ़ाई चल रही है, मैसेज डाला, ए चल ना मूवी देखते हैं, अच्छा ये बोला। अब ध्यान से रखना मेरे बच्चों, अगर तुमने इस मैसेज को सुन लिया, ध्यान रखना, तुरंत यहां से रिस्पॉन्स आकर, नहीं दीक्षा नहीं जाना है, नहीं प्रियंका नहीं, पढ़ाई कर ले, हम पढ़ाई, ये कह रहा है पढ़ाई कर ले, ये कह रहा है ए चल ना
मूवी देखते हैं, चल ना बात करते हैं। याद रखना अब वाइज एडवोकेट के ऊपर है, तुम्हारी आत्मा के ऊपर है कि किसका कहना माने, किसका कहना माने। तुम्हारे पास दो चॉइस, याद रखना मेरे बच्चों, याद रखना। अगर ये चॉइस आज तुम्हारी जिस फील्ड में जाएगी वही डंबल मजबूत होगा। मैंने क्या बोला था, जिसका प्रयोग ज्यादा वो ज्यादा ताकतवर, जिस हाथ से डंबल ज्यादा चलेगा वो ज्यादा ताकतवर। याद रखना अगर अब तुमने इसका कहना माना तो यूज किसका हुआ, इसका। ताकतवर कौन बनेगा, ये। लेकिन अगर तुमने इसका कहना माना, इसका कहना माना तो ताकतवर कौन बनेगा, ताकतवर कौन बनेगा मेरे बच्चों, ये। डंबल किस हाथ से चलाया, ये तुम्हारी इच्छा है ना, तुम्हारी आत्मा कहती है। वाइजरो कहता है राइट हैंड से डंबल चला तो राइट हैंड से चलाया तुमने, तुम्हारे वाइज एडवोकेट ने कहा इसकी बात मान तो मजबूत कौन होगा, ये। लेकिन ये तो सिग्नल देता है ना बच्चे, ये लैंग्वेज नहीं समझता, ये फीलिंग डालता है, एंजॉयमेंट, डोपामाइन, खुशी। जैसे तुम किसी लड़की के बारे में सोचते हो ना, लड़के के बारे में सोचते हो ना, तो चमक आ जाती है, वाह गोरा चिट्टा सलमान खान है, तो क्या होता है, मन करता है उससे बात करूं। ये कर रहा है सब, ये क्या कह रहा है, नहीं पढ़ाई करो। ये बेचारा नहीं जानता इंपल्सेस को, ये तो रीजनिंग है, ये तो लॉजिक बताता है, लेकिन लॉजिक काम कितना करता है। लेकिन आज तुम्हें पता है तुम इन दोनों के ऊपर हो, यू आर अबव देम, आज तुम ऊपर हो, वाइज एडवोकेट हो तुम। तुम्हें पता है कि अगर आज मेरी चॉइस गलत हुई, आज की प्रेजेंट चॉइस मेरी गलत हुई तो इसको राक्षस बना देगी। कहते हैं ना अगर मां अपने बेटे की हर एक इच्छा को पूरी करे ना तो एक दिन बेटा क्या होता है, उसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो अपनी इच्छा पूरी कराने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या अपने हर बेटे की हर इच्छा पूरी करे, चाहे वो गलत हो और चाहे सही हो, क्या एक माँ की ये ड्यूटी है, ये है माँ, ये वाइज एडवोकेट है तुम्हारी माँ, ये है। बोलो क्या हर गलत इच्छा कोई पूरी करोगे तुम, फिर राक्षस बनेगा कि नहीं बनेगा मेरे बच्चों। सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर की सिर्फ उन इच्छाओं को पूरी की जाए जो सही हो बच्चों, गलत इच्छा को पूरी मत करना नहीं तो ये राक्षस बन जाएगा। मान लो तुम 8 घंटे 9 घंटे कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हो, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर कहता है रेस्ट कर ले, बहुत दर्द हो रहा है पीठ में, इससे बात होगी, ये बोलेगा हाँ 8 घंटा हो गया थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आधे घंटे का रेस्ट होना चाहिए, इसने कह दिया आधे घंटे का रेस्ट होना चाहिए। अब जब तुम लेटे लेट सो जा थोड़ी और, 1 घंटा और आराम कर भैया मजा आ रहा है, ये कह रहे हैं उठ, आधे घंटे की बात हुई थी। अब तुम्हें किसका कहना मानना है, अब तुम्हें किसका कहना मानना है। अगर तुमने इसका कहना माना तो ये और मजबूत हो जाएगा और राक्षस हो जाएगा मेरे बच्चों। और इसलिए किसका कहना मानना है, इसका कहना मानना है, इसका कहना मानता है। वाइज एडवोकेट कौन है, ये वो है जो अल्टीमेटली डिसीजन मेकर है, ये तो सिर्फ वकील है दोनों, ये तो दोनों वकील है, ये जिद पकड़ता है, ये मां है, ये दो बेटे हैं, एक बेटा अच्छी बातें करता है, आगे बढ़ने की बातें करता है, एक बेटा सिर्फ अपने एंजॉयमेंट की बात करता है, पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाएगा अगर इसकी बात मानी गई मेरे बच्चों, पूरा शरीर पूरा जीवन मिट्टी में मिल जाएगा अगर इसकी बात मानी गई, हर बात मानी गई तो। किसकी चॉइस, ये चॉइस डिसाइड कर रहा है किसकी बात मानना चाहिए तुम्हें मेरे बच्चों। आप सोचो तुम्हें करना क्या है, अब तुम्हें करना क्या है, सुबह तुमने अलार्म लगाया 6 बजे का है, 11 बजे तुम सोने जा रहे हो, सुबह 6 बजे 7 घंटे हो गए ना, 7 घंटे में कोई भी अच्छी नींद लेता है ना, सुबह 6 बजे अलार्म बजता है, अब तो कन्वर्सेशन तुम्हारे अंदर शुरू हो जाएंगे। ये कहेगा उठ जा 6 बज गए, ये कहता नहीं उठ जा सो जा, ये कहता अंदर से फीलिंग डाल देगा, ये बोलता कुछ नहीं है, ये सिर्फ आलस से वाली फीलिंग डालेगा, लेजीनेस वाली, एकदम ऐसे ढेर होते चले जाओगे, ये डालेगा। तुम्हें किसका कहना मानना है, इसका या इसका, याद रखना बच्चों 6 बजे अलार्म बजा, ये टेस्ट है कि तुम अपने जीवन को किधर आगे लेके जाना चाहते हो, ये टेस्ट है, उस टेस्ट में तुम्हारे वाइज एडवोकेट को किसकी बात माननी चाहिए मेरे बच्चों। 7 घंटे सो चुके हो ना, उठ जाओ,
क्योंकि अगर तुम उठे नहीं तो तुम इसकी बात मान रहे हो, और जब इसकी बात मान रहे हो मेरे बच्चों, तो ये और ताकतवर होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। और आपको पता है मैंने क्या बोला, ब्रेन की वो सेल्स जो एक साथ होती हैं वो एक साथ वायर हो जाती है, ब्रेन सेल्स विच फायर टूगेदर वायर टूगेदर। याद रखना, इस वाली ब्रेन सेल को फायर करना है ताकि और ताकतवर हो जाएं, इनको फायर किया तो ये ताकतवर हो जाएंगे। मेरे बच्चों, 6 बजे तुम्हें उठना सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारा सेल्फ असेसमेंट सेंटर इतना ताकतवर हो जाए कि ये इसको धर दबोचे। आज से 21 दिन तक, सिर्फ 21 दिन तक तुम ये वाला डिसीजन ले लो मेरे बच्चों, सिर्फ ये वाला, इसका मत मानना। 21 दिन के बाद होता क्या है, 21 दिन के बाद मेरे बच्चों ये छोटा होता जाएगा और ये बड़ा होता जाएगा। मेरे बच्चों, ये छोटा होता जाएगा, ये बड़ा होता जाएगा। जरा सोचो, एक इंसान जो बॉडी बिल्डर होता जाए और एक को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो वो पतला टिड्डा होता जा रहा है। और एक दिन देखना, 21-22 दिन के बाद 6 बजे अलार्म बजेगा ना मेरे बच्चे, इसकी औकात भी नहीं होगी कि ये फीलिंग डाल पाए, टक से बोलेगा उठ जा, टक से उठ जाओगे बिना किसी डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज के। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज तब भी आएगा लेकिन तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सेल्फ असेसमेंट सेंटर, ये है सिक्योरिटी गार्ड मेरे बच्चों, यही तो ना ताकतवर हो जाएगा कि इस मालिक को कहेगा चुब्बे, मैं हूं SPG, मैं हूं इस परिवार का रखवाला, मैं हूं इस शरीर के ऊपर राज करने वाला, मैं जो बोलूंगा वही होगा। प्राइम मिनिस्टर, आपको पता होगा एक दिन प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्टोरी सुनाई होगी कि एक IPS ऑफिसर गुजरात का था, जो उस समय CM थे जब गुजरात में, तो उनकी सिक्योरिटी में वो रहते थे। तो जब CM साहब बार बार अपनी सिक्योरिटी से बाहर निकल जाते तो एक दिन IPS ऑफिसर पहुंचा, बोला कि CM साहब जब कूद कूद के आप आगे भीड़ में चले जाते हो इससे आपकी जान को खतरा है। CM साहब नए बने थे, बोले भाई देखो हम तो CM है, हम तो मिलेंगे जनता से। बोले नहीं सर, आप नहीं मिल सकते, हमारी ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना, आप ऐसे नहीं जा सकते, और जब भी आप जाएंगे हम आपको रोकेंगे। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी हाल ही में ये बात की जिक्र की और बहुत बड़ाई करी उनकी कि इन्होंने कैसे अपनी ड्यूटी निभाई। मेरे बच्चों, जब सेल्फ असेसमेंट सेंटर आज के 1-2 साल के बाद यही सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर इसको ये नहीं कहेगा बाद में, आज के 1-1.5 साल के बाद, कि तूने मेरे को मजे नहीं करने दिए। यही सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर जो कि प्राइम मिनिस्टर है तुम्हारे शरीर का, यही उसको कहता है भाई तूने तो गजब किया, भाई गजब किया, भाई मैं नहीं कर पाता, भाई तूने तो गजब किया। अपने अंदर से जब बड़ाई निकलती है ना, अब आता है मजा। अपने अंदर से जब विश्वास निकलता है यस आई कैन डू, अब आता है मजा। मेरे बच्चों याद रखो, वाइज एडवोकेट तुम्हारी आत्मा है, इसको बोलो इसकी सुने, ये है तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड, ये है प्रोटेक्टर, ये है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, ये है SPG। तुम हो अगर प्राइम मिनिस्टर तो ये है SPG। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज की नहीं सुननी है मेरे बच्चों, और इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। 4-स्टेप फॉर्मूला, ये 4-स्टेप फॉर्मूला मैं आपको एक थोड़ी हेल्प और करवा रहा हूं कि कैसे आप इस डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को आसानी से स्टेप बाय स्टेप वाइज निकाल सको अपने शरीर से। सबसे पहले एक मैसेज आता है, ध्यान रखना, अवेयर हो जाओ फटाफट, सभी लोग सतर्क रहेंगे, जितने लोग हैं सतर्क हो जाओ फटाफट जब बोलने जा रहा हूं मैं। लेट्स कंसीडर, एक डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आया अंदर से, ए सो ले थोड़ा सा, तुम अभी भी तो सो के उठे हो, 6 बजे है, 7 बजे तो तुम खूब मूड में पढ़ाई कर रहे हो, तब तक अंदर से फीलिंग है सो जाए। तुरंत क्या करना है, तुरंत वाइज एडवोकेट को एक्टिव हो जाना है, सेल्फ असेसमेंट सेंटर को एक्टिव हो जाना है, अवेयर हो जाओ, इज इट द डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। सबसे पहले लेबलिंग कर दो, लेबल लगा दो, ओके डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। आहा, याद रखना आप पकड़ नहीं पाते थे आज तक, ना पकड़ लोगे, अभी तक आप पकड़ नहीं पा रहे थे, आप पकड़ लेना है। ऐसे बैठे हुए थे अचानक आपने कहा कि अभी 6 बजे आंसर राइटिंग करने का आपने टाइम बना लिया, ठीक है 6 बजे आंसर राइटिंग करनी है, 6 बजने में 5 मिनट पहले ही डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आएगा। एक काम करो यार, पहले न्यूज पेपर पढ़ लो फिर आंसर राइटिंग करना, जब प्लान सुबह से बना हुआ है तो क्यों नहीं करोगे भाई आंसर राइटिंग।
आप ये डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आ जाएगा, क्योंकि उसको आंसर राइटिंग करने में बड़ा आफत लगती है। आंसर राइट सबको तो अच्छा लगता नहीं। ए तो एक काम करना, पहले न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आज छोड़ो कल कर लेंगे। क्या है ये? डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। हल्की से स्माइल, क्या किया? लेबल लगा दिया। ऐसा कोई भी मैसेज आए उसके ऊपर लेबल, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज। जैसे एक आदमी को कहा जाता है ना, तू चोर है ना, लेबल लगा दो, तू चोर है, तू निकम्मा है, ऐसे इसको बोले तू डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज, धोखेबाज, धोखेबाज। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज का मतलब क्या है? धोखेबाज ना, धोखेबाज, लेबल लगा दो, धोखेबाज। चुप, जब प्लान पहले से बना है तो वही होगा, प्लान पहले से बना है तो वही होगा। किसकी बात सुननी है? किसकी बात सुननी है? सेल्फ असेसमेंट सेंटर की बात सुननी है मेरे बच्चों। क्यों सेल्फ असेसमेंट सेंटर की बात सुननी है? क्योंकि इसे स्ट्रांग बनाना है। इसकी बात नहीं सुननी है ताकि ये वीक बन जाए, समझ गए ना? तुम्हें सिर्फ इसलिए करना है 6 बजे आंसर राइटिंग, ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, ये स्ट्रांग हो जाए, याद रखना। तो पहला है लेवल लगा दो, उसके बाद रिफ्रेम, रिफ्रेम। अब डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को पूरी तरीके से क्लियरली देखना है, और अब आप अपना जो काम है उस काम में फिर से लग जाओ। रिफ्रेम मतलब फिर से काम करना शुरू कर दो जिस काम में तुम लगे हो। इसके बाद अगर ये फिर भी चिट 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 करता है, रिफोकस अटेंशन को डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज से हटा लो। अटेंशन को कैसे हटाया जाए? अटेंशन को हटाने का तरीका मैंने पहले भी तुम्हें सिखाया है मेरे बच्चों। आप जिस चीज के चाहो उस चीज के बारे में सोचो, और जिस चीज के बारे में ना चाहो उससे ऐसी बारे में ना सोचो, ऐसी काबिलियत है आपके अंदर। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूं कि बच्चों जरा याद रखो, याद करो कल शाम को तुमने क्या खाया, देखो कितने लोगों को याद आ रहा है कल शाम को क्या खाना खाया। अच्छा कोई बात नहीं, आज सुबह क्या नाश्ता किया, जरा सोचो आज सुबह क्या नाश्ता किया। आप जरा देखो, आपका दिमाग जहां चाहो वहां लेके चले जाओ, आपका टेंशन जहां चाहो वहां लेके चले जाओ। मेरे बच्चों आप इतने ताकतवर हो कि आपका जो फोकस है, आप चाहो इस लोब में, इस लोब में, इस लोब में, जहां चाहे वहां लेके जाओ। आज मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? रीफोकस। आप डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज से हटा करके एक अच्छी बात पे लेके जाओ, अच्छी बात पे लेके जाओ, रीफोकस कर दो। और रीफोकस करने के बाद थोड़ी देर जब आंसर राइटिंग आप कर लो, तब आप चौथा रीवैल्यू। जब आप आंसर राइटिंग कर लो 6 बजे, आंसर राइटिंग लिखने के बाद बोलो कि अच्छा साला कैसे मैसेज डाल रहा था ये, रीवैल्यू। तब आप बोलो अच्छा बेटा तुम मैसेज डाल रहे थे ना हमें, अब बताता हूं तुम्हें, रीवैल्यू। पहला है रीलेवल, तुरंत बता दो चोर को चोर, धोखेबाज को धोखेबाज, रीफ्रेम। तुरंत अपना काम जो कर रहे थे वो करने लगो, रीफोकस। आप डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज से फोकस हटा करके अपने काम पे और ज्यादा लगा लो। सोचो भी मत डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज के बाद, और काम को करने के बाद अब रिवैल्यू, फिर से रिवैल्यूएट करो। अच्छा डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आया था बेटा, तू धोखेबाज कहीं के तू ही था ना जो मुझे सिखा रहा था कि आंसर राइटिंग ना कर। आंसर राइटिंग जब करोगे अब देखना, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर खुद ही कहता है वाह बेटे कर डाला ना आंसर राइटिंग। ये कभी भी नहीं कहेगा कि तूने गलत किया है। अगर आपने आंसर राइटिंग कर दी, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर, सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर कभी नहीं कहेगा कि तुमने गलत किया है, क्योंकि मालिक को भी ये बात पता होती है कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जो एसपीजी प्रोटेक्ट करता है ना, तो क्या प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि तूने मुझे कैसे बोल दिया था, मैं तो बाहर जाऊंगा पब्लिक के? प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बाद में उसकी बड़ाई की कि नहीं की? क्यों? क्योंकि एसपीजी का काम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का प्रोटेक्शन। तो जब मेरे बच्चों, जब इस डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को आप नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, नहीं सुनोगे, तो अंत में सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर ही कहता है वाह वाह तूने तो कर दिखाया। तो सेल्फ असेसमेंट कहेगा साले तेरी वजह से तो नहीं कर पा रहा था, तू ज्ञान दे रहा है मेरे को, अरे भाई मुझसे तो गलती हो जाती, मैं तो हुई यार, लेकिन तू तो भाई बहुत बढ़िया इंसान है, काम कर बेटा काम कर, है ना। तो ये सिक्योरिटी गार्ड अच्छा सा काम करेगा। याद रखना अपने ब्रेन को, आपको मैंने बताया जब ब्रेन में कोई चीज की कमी हो जाए, केमिकल लोचा हो जाए, तो भी आपका कंट्रोल अपने दिमाग से कम हो जाता है, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। मेरे बच्चों याद रखना, आपके दिमाग के अंदर एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन, सेरोटोनिन जब कम होता है
तो निगेटिविटी ऑटोमेटिकली आती है। सेरोटोनिन की मात्रा ज्यादा होती है तो आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। इसलिए हमें क्या करना है, सेरोटोनिन की मात्रा को मेंटेन करके रखना है। सेरोटोनिन की मात्रा मेरे बच्चों रात में कम हो जाती है, इसलिए याद होगा जिनको मैं ट्रेन करता हूं उन सारे बच्चों को मैंने एक बात बोली है, क्या कि रात में 10 बजे के बाद अपोजिट सेक्स से बात नहीं करने का। लिंग किसी भी लड़के को लड़की से बात करने की जरूरत नहीं है, 10 बजे के बाद 10 बजे से पहले बात करो। बहुत ज्यादा रात में बहुत रात तक जागने की जरूरत कम है। अगर आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आने लगे हैं तो आप जल्दी सो जाओ, क्योंकि सेरोटोनिन की मात्रा आपके बॉडी में कम हो रही है तभी निगेटिव थॉट्स आते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि जितने आप बहलते हो फिसलते हो राक्षसी प्रवृत्ति जगती है, वो रात में क्यों जगती है? सेल्फ कंट्रोल आप रात में क्यों खोते हो और आपकी बीमारियां रात में हावी क्यों हो जाती हैं? क्योंकि ये सेरोटोनिन आपके दिमाग के अंदर से कम होने लगता है, और जब आप बीमार होते हो तो भी सेरोटोनिन कम होता है। मेरे बच्चों क्या किया जाए फिर, पनीर खाओ, पल्स खाओ, वेजिटेबल खाओ, और अगर आप मछली खाते हो तो मछली खाओ, ज्यादा मात्रा में वेजिटेबल्स खाओ, दाल खाओ, पनीर ज्यादा मात्रा में खाओ। दूसरा सनलाइट, बहुत सारी लड़कियां काली होने के डर से सनलाइट में नहीं जाती। मेरे बच्चों प्लीज थोड़ा सा सनलाइट लो, नहीं तो सेरोटोनिन कम हो जाएगा। तीसरा एक्सरसाइज, कभी किसी ने फील किया है एक्सरसाइज करने के जस्ट बाद आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है? कभी फील करना बिना कारण ही बढ़ता है, सेरोटोनिन अचानक बढ़ जाता है, सेरोटोनिन तुरंत ही बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंट फील करोगे, कॉन्फिडेंट। सेरोटोनिन ज्यादा पॉजिटिविटी, सेरोटोनिन ज्यादा कॉन्फिडेंस, सेरोटोनिन ज्यादा काम करने की और ज्यादा इच्छा, सेरोटोनिन कम निगेटिविटी, सेरोटोनिन कम चिड़चिड़ापन, सेरोटोनिन कम डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज हावी हो जाएगा। इसलिए हमें बायोलॉजिकली भी स्ट्रांग बना के रखना है अपनी बॉडी को, रात में ज्यादा देर तक काम नहीं करने का। Being in the company of successful people, avoiding energy vampires. याद रखना, जो successful लोग हैं, successful लोग का मतलब क्या होता है? तुम्हें लगता है जाकर के तुम्हें बोलो बिल गेट्स के साथ रहो? नहीं, successful लोगों की वीडियोस देखो मेरे बच्चों, सक्सेसफुल लोगों की वीडियोस देखो, सक्सेसफुल लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, देखो आपको हमेशा अच्छी फीलिंग आएगी, राइट? ये देखो अवॉइडिंग एनर्जी वैम्पायर, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी एनर्जी वैम्पायर उनको कहा जाता है, वो तुम्हारी सारी एनर्जी ही खा जाएंगे, उनको एनर्जी वैम्पायर, वैम्पायर वो होता है हॉलीवुड में देखा होगा आपने जो खून चूसता है, एनर्जी वैम्पायर वो है जो एनर्जी चूस जाते हैं, वो बिना काम के आपके पास बैठेंगे और आपका सारा टाइम और एनर्जी खा जाएंगे। जब हो जाएंगे तो आपको बहुत बुरा सा लगता है, आपको लगता है क्यों यार इसके साथ बैठा, मेरा सारा टाइम खराब कर दिया इसने। ऐसे लोगों से धक्के मार के निकालो, दूर रखो। एनर्जी वैम्पायर नाम रख दो, लिस्ट बनाओ एनर्जी वैम्पायर, एनर्जी वैम्पायर 1 2 3 4, सबका एनर्जी वैम्पायर की लिस्ट बनाओ और उनसे निपटने के तरीके तलाशो मेरे बच्चों। अब एक चीज और, हाउ टू डेवलप विल पावर। आपको पता है डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज आता है, तो विल पावर कैसे डेवलप किया जाए कि उसको हैंडल ना किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जान रहे होते हैं और हैंडल नहीं कर पाते, उस विल पावर को कैसे डेवलप किया जाए। रिपीटेटिव पॉजिटिव सेल्फ असर्शंस, ये एक ऐसी तरीका है, एक ऐसा तरीका है जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों ने अपनाया है। मैंने तुम्हें अभी कहानी सुनाई थी ना, है अभी कहानी सुनाई थी कि 21 दिन तक वो आदमी आता रहा और उसको सॉल्यूशन बताते रहे। मेरे बच्चों क्यों? आपको पता है इस मालिक का एक बहरा है, सिक्योरिटी गार्ड, अगर कॉन्टिन्यूअसली बार बार पॉजिटिव एसर्शंस करे, मैं कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं आईएएस बन सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, अगर वो चिल्ला चिल्ला के रोज सुबह से शाम तक ये बात कहता रहे तो एक दिन अंदर तक आवाज जाती है, वो मालिक को कुछ दिन बाद समझ में आता है मेरे बच्चों। लेकिन आप लोग करते क्या हो, आप लोग सिर्फ एक दिन, ये ज्ञान जो आज लिए हो ना, आज नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा, क्योंकि मालिक ताकतवर है, मालिक को बताने के लिए अवेयर करना पड़ता है। याद रखना कैसे सिग्नल्स जाते हैं अंदर तक, डीप आपके दिमाग के अंदर फियर कहां है, फियर
डर कहां है? बहुत अंदर तक है। जलन कहां है? बहुत अंदर तक है। गुस्सा कहां है? बहुत अंदर तक है। अगर उस गुस्से को नियंत्रित करना है, अगर उस फियर को नियंत्रित करना है, अगर उस हार्मोन्स को नियंत्रित करना है, तो लगातार इस मेथड को इस्तेमाल करा जाता है। मैं कर सकती हूं, मैं कर सकती हूं, मैं हूं सुपर, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं ही हूं। ये रिपीटेटिव थॉट, मैं हमेशा अच्छा काम करती हूं, मैं हमेशा सक्सेसफुल बनूंगी, अगर लोगों ने किया है तो मैं भी करूंगी, अगर हजारों लोग आईएएस बनते हैं तो मैं भी बनूंगी, ये सेल्फ असर्शन ही है जो आपके विल पावर को मजबूत करेगी। मेरे बच्चों, ये एक तरीका ऐसा है जो आपको सर्वशक्तिमान बना सकता है। दिमाग को भरोसा होने लगता है। कैसे होने लगता है मैं बताऊं? चलो एग्जांपल दिखाता हूं। मेरे एक बात बताओ कि किसी ने रसगुल्ला खाया है, मीठा वाला, छीने वाला, मस्त वाला, जिसमें स्पंज होता है, हैं? ऐसे दबाया मस्त, या फिर वो खाया है टिकिया, टिकिया जो खट्टा वट्टा डाल के बढ़िया बनाते हैं ना, बढ़िया सा है ना टिकिया, देखा है आपने? इसमें चटनी डाल देते हैं खट्टी खट्टी वाली, बढ़िया से बनाते हैं उसको और खाओ तो एकदम मजा आ जाता है। मेरे एक बात बताओ, कितने लोगों के सामने टिकिया है? अभी टिकिया है क्या किसी के सामने? टिकी है क्या? नहीं है। चटनी है क्या? नहीं है। मुंह में पानी आया कि नहीं आया? मुंह में पानी आया कि नहीं आया? अरे ये दिमाग की सबसे खास बात जानते हो क्या है मेरे बच्चों? अरे ये जानता ही नहीं असली और नकली में अंतर। ये तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी फीलिंग से सब कुछ समझता है। ये दिल तो बच्चा है जी, समझ गए ना? इसे सर्वशक्तिमान बनाना है तो बस इसको एक ही चीज कहो कि तू सर्वशक्तिमान है। इसको एहसास होने लगता है, ये उड़ने लगता है, जैसे टिकिया की फीलिंग इसके मुंह में पानी लेके आ जाती है, वैसे ही जब आप पॉजिटिव थॉट इसके दिमाग के अंदर ठूंसते हो मेरे बच्चों, तो ये केमिकल रिलीज करता है, सेरोटोनिन की मात्रा रिलीज करता है और ये कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। यस आई कैन डू। सुबह से शाम तक तुम्हें एक ही काम करना है, पॉजिटिव असर्शंस, बार बार अपने आप को ये बात कहते रहो मेरे बच्चों। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड इतना ताकतवर हो जाएगा कि मालिक के निगाहों में, मालिक के कानों में ये सूचना पहुंचने लगेगी, अरे बाप रे बाप, सिक्योरिटी गार्ड तो बहुत ताकतवर हो गया है, इससे पंगे लेना ठीक नहीं है। पहले ही डर जाएगा, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज डालने से पहले ही सोच लेगा कि अरे भाई डालो मत, ये तो इससे लड़ना ठीक नहीं है। समझ गए मेरे बच्चों? विल पावर बढ़ाने का पहला मेथड। विल पावर बढ़ाने का दूसरा मेथड, डू वन थिंग एट वन टाइम, एक बार में सिर्फ एक काम। इसके लिए मैंने क्या बोला था? टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग क्या है? पहले से फिक्स है कि 6 बजे आंसर राइटिंग करना है, तो आंसर राइटिंग के बारे में 6 बजे ही सोचोगे। पहले से पता है कि 9 बजे तुम्हें न्यूज पेपर पढ़ना है, फिक्स कर दो टाइम मेरे बच्चों, 9 बजे न्यूज पेपर पढ़ना है तो पढ़ना है। टाइम बॉक्सिंग, डू वन थिंग एट वन टाइम, टाइम बॉक्स, 9 बजे फिक्स कर दो न्यूज पेपर पढ़ने का, है ना? सुबह ही फिक्स कर दो कि आज तुम्हें क्या काम करना है, पहले ही फिक्स कर दो। डू वन थिंग एट वन टाइम, इससे आपका विल पावर बढ़ेगा। पहले से सब फिक्स है, दूसरे की गुलामी करते हो तब तो वहां सब फिक्स रहता है, अपने लिए भी कर लो थोड़ा सा, है? तीसरा, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। ये मेथड सबसे तगड़ा है मेरे बच्चों, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। अगर तुमने आंसर राइटिंग करना शुरू कर दिया ना बेटा 6 बजे, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, बीच में आंसर मत रोकना, क्योंकि डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज कॉन्टिन्यूसली आपके दिमाग में डालेगा। जब आप इंट्रोडक्शन लिखना शुरू कर देते, कहता है नहीं लिख पाएगा, कभी लिखा है क्या इंट्रोडक्शन? है? अरे भाई तेरी प्रैक्टिस नहीं है तू नहीं लिख पाएगा। जैसे तुम बीच में बॉडी पार्ट पे आते हो, फिर कहता है अरे रहने देना, छोड़ ना यार, क्या तू यार नहीं लिख पाएगा, बता पहले पढ़ ले, पहले पहले नहीं रुकना, स्टार्ट, जो भी स्टार्ट करो उसको फिनिश करो, जो भी स्टार्ट करो उसको फिनिश करो, स्माइल करो डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज को। होता नहीं कि माँ काम कर रही है, बच्चा आता है बीच बीच में अटेंशन पाने के लिए, है ना, तो माँ क्या करती, बच्चे को हटा देती, काम अगर छोड़ दी ना तो भूखो मर जाएगी। इसलिए स्टार्ट जो भी करो उसे फिनिश करो। तीसरा, चौथा, डू अ लिटिल मोर व्हाट यू कैन डू। अगर एक आंसर का प्लान था तो एक आंसर कंप्लीट करने के बाद उसी आंसर को एक राउंड और लिख दो तो क्या होगा? Do something more than what you expected. जितना तुमने सोचा था उससे थोड़ा सा ज्यादा काम करने से विल पावर हमेशा बढ़ती है मेरे बच्चों, हमेशा बढ़ती है। Make small commitments and fulfill it. छोटे छोटे कमिटमेंट पूरे करना, छोटे छोटे कमिटमेंट,
छोटे कमिटमेंट मतलब खाना खाने जा रहे थे, बोले चार रोटी खाऊंगा, छोटा कमिटमेंट है कि नहीं? गिलास का पानी उठाया, पूरा गिलास पानी पी के ही छोड़ूंगा, छोटे छोटे कमिटमेंट। मेरे बच्चों छोटे 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 कमिटमेंट करो, छोटे छोटे कमिटमेंट, धीरे धीरे तुम हो जाओगे सलमान खान। सलमान खान क्या कहता है, एक बार कमिटमेंट कर लिया तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तुम्हारे दिमाग को एक बार कमिटमेंट पूरी करने की आदत पड़ गई ना तो वो अपनी भी नहीं सुनता, क्योंकि ब्रेन के जो वायर्स हैं वो इतने जबरदस्त स्ट्रांग तरीके से वायरिंग हो जाती है कि एक दिन तुम कमिटमेंट करोगे ना तुम्हारी आग अंदर से लग जाएगी। तुमने कहा होगा आज तक मैंने कोई कमिटमेंट नहीं तोड़ा है तो ये भी नहीं तोड़ूंगा। मेरे बच्चों सलमान खान बनना है तो मेक स्मॉल कमिटमेंट एंड फुलफिल इट। आप देखो यूपीएससी की दुनिया में, एक बार और एक स्लाइड, आप यूपीएससी की दुनिया में देखो, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर और सेल्फ असेसमेंट सेंटर क्या है, दोनों में अंतर कर दे रहा हूं, लिख दिया मैंने सब। देखो सेल्फ असेसमेंट सेंटर का काम क्या है, यहां पर जब तुम तैयारी शुरू करते हो अपनी तैयारी, अब तैयारी शुरू किया होगा जैसे नए नए बच्चों ने, देखो यह है सेल्फ असेसमेंट सेंटर। इसका काम क्या है, ये क्या कहता है, ये हमेशा सकारात्मक बात करता है, तू कर सकता है प्रियंका, तू कर सकती है दीक्षा, तू कर सकती है राहुल, तू कर सकता है दीपायन, तू कर सकता है सब कर सकता है, पॉजिटिव टॉक करता है, डिजायर फॉर सक्सेस। ये हमेशा इसके अंदर सक्सेस पाने की इच्छा होती है। स्टडी फॉर 10 आवर्स बोलेगा 10 घंटे में पढ़ूंगा, टाइम मैनेजमेंट करूंगा मैं, टाइम मैनेजमेंट डायरी आपको मिली होगी मेरे इंस्टीट्यूट से, उसको मेंटेन करोगे आप लोग। मोटिवेट्स फॉर आंसर राइटिंग के लिए मोटिवेट करेगा, लिसन टू सर, सर जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं सुनूंगा, न्यूज़पेपर में रीड करूंगा और अपने आप को मोटिवेट करके रखेगा। ये होता है सेल्फ असेसमेंट सेंटर का काम, सेल्फ रेफरेंस सेंटर का काम। देखो सब अपना अपना काम कर रहे हैं, देखो ये अपना काम कर रहा है, इसे कंफर्ट चाहिए, कंफर्ट, थोड़ा आराम कर लेते हैं। फ्रेंड्स होगा कि नहीं होगा, गेम खेलना है, थोड़ा ग्राउंड गेम खेल लेते हैं, मूवी देख लेते, ईगो तुरंत ईगो हट हो जाए, कोई डांट दे इसको, बोलते हैं निगेटिव इंपल्सेस, जल्दी निगेटिव इंपल्सेस जाती है, इमेजिनरी फेलियर सोचता है अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, है ये सोचता है। अनकंट्रोल टाइम मैनेजमेंट, कोई टाइम मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं होगा। आप अगर इन लक्षणों से व्यस्त हो तो समझ लेना आप सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर के चपेट में हो, इसका मतलब ये राक्षस तुम्हारे ऊपर हावी है। अगर ये हावी है तो समझ लो सेल्फ असेसमेंट सेंटर तुम्हारे ऊपर हावी है। क्या करना है, अगर तुम्हें IAS बनना है तो तुम्हें इस राक्षस को कमजोर करना है, इस सिक्योरिटी गार्ड को, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG को तुम्हें ताकतवर बनाना है। मेरे बच्चों ये सारे काम देखो सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर के हैं, याद रखना, इसको मजा चाहिए, इसको कोई मतलब नहीं तुम्हारे सक्सेस से। घर में मालिक लोग हैं उनको पता है सिक्योरिटी गार्ड बाहर है तो वो गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है कि उसे बताया गया है कि गेम खेलने से ये मर जाएगा तेरा मालिक, तो गेम खेलना बंद कराएगा कि नहीं कराएगा इसे। अगर आपको पता है कि मालिक को लगा दिया जाए, जैसे नर्स होती है ना, नर्स क्या करती है, मान लो आप दारू पी रहे हो हॉस्पिटल में, नर्स को तो आप पैसा देते हो ना अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करे। अगर आप दारू पियोगे कहते हो हमने पैसा दिया दारू पीने दे, तो क्या नर्स पीने देगी, नहीं पीने देगी, वाई, बिकॉज वो तुम्हारा प्रोटेक्टर है। तो सेल्फ असेसमेंट सेंटर प्रोटेक्टर है मेरे बच्चों, इसको ताकतवर बनाओ। वाइज एडवोकेट जो है, जो तुम्हारी आत्मा है, उसको किसकी बात माननी है, इसकी बात माननी है, इसको खारिज करो, इसको लिस्ट काट दो यहां पे और बोलो कि सुन हम पॉजिटिव बात करेंगे, निगेटिव बात तो आने ही मत देना, क्योंकि थिंक आफ्टर थिंकिंग अलॉट है ना, सोच समझ के सोचो मेरे बच्चों, सोच समझ के सोचो, पॉजिटिव थॉट सोचो, सेल्फ असेसमेंट सेंटर तभी मजबूत होगा। अब मैं आपको फिर से बता दूं, इन सब के बीच में 4 पिलर जो आपके सक्सेसफुल होने के लिए, IAS बनने के लिए हैं, वो है टीचिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस गाइडेंस। अभी मैंने तुम्हें क्या दिया, टीचिंग क्लास में होती है आपको पता है, ट्रेनिंग जो मैं तुम्हें ये दे रहा हूं आज का जो था ये इसे कहते हैं ट्रेनिंग। इस ट्रेनिंग को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस को जब तुम करोगे तुम्हें कुछ परेशानियां आएंगी,
मेरा गाइडेंस रहेगा तुम्हारे साथ। मेरे बच्चों ये और ये काम है मेरा, ये काम है तुम्हारा, याद रखना। हर एक लेवल टीचिंग देन ट्रेनिंग देन प्रैक्टिस देन गाइडेंस, याद रखना। अगर इनमें से तुमने प्रैक्टिस नहीं की तो गाइडेंस की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है? क्योंकि ट्रेनिंग तो दे दी मैंने, अब तुम प्रैक्टिस नहीं करो, गाइडेंस की जरूरत क्या है? इसलिए मैंने हमेशा तुमको बोला है कनेक्टेड रहो, मुझसे टच में रहो, मुझसे जो टच में रहे हैं वो मेरे गाइडेंस में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस ही नहीं कर रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है वो मेरे टच में नहीं आ सकता, जो टच में नहीं आ सकता वो तो फेल होना तो तय है ना मेरे बच्चों। तो टीचिंग ट्रेनिंग प्रैक्टिस गाइडेंस, ये चार पिलर हैं सक्सेस होने के लिए मेरे बच्चों। अभी ये था ट्रेनिंग, इसके बाद आपको जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं मुझे पूरी उम्मीद है आपने डायरी में नोट की होगी, प्रैक्टिस की होगी। अब इनमें से अगर कुछ लोग नए हैं जो नए मुझे देख रहे हो और वो मेरे अंदर में ना चाहते हो, तो जैसा कि आपको पता है कि हर सेमिनार में कोई ना कोई ऑफर रहता ही है, आज मैं सिर्फ दो लोगों को ऑफर दे रहा हूं, ओनली टू स्टूडेंट्स आर देयर। आप लोग तैयार हो जाए, जिनको ऑफर चाहिए होगा, दो लोगों को सिर्फ मिलेगा। जितने भी लोग नए लोग होंगे उनमें सिर्फ दो बच्चों को मिलेगा, वो दो बच्चा कोई भी हो सकता है। ये ऑफर रहेगा इंग्लिश मीडियम में, जो बॉयज है इनको 56,000, गर्ल्स के लिए 49,000 में। जीएस का सेशन है हमारा, जीएस प्री मेंस इंटरव्यू तक, नॉट ऑप्शनल, जीएस का एसए का पूरा ये सेशन होगा। 56,000 बॉयज का रहेगा, हिंदी मीडियम में 32,000 बॉयज का, गर्ल्स के लिए 28,000 है। किसी को भी ये चाहिए तो अपनी सीट बुक कर सकता है, सिर्फ दो सीट, वो पूजा मैडम से बात करेगा, 8750069419 पर बात करे पूजा मैडम से। अब कोई किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ऑफर लेने वाले जो लोग हैं वो फोन कर लेंगे, नहीं तो वो खत्म हो जाएगा, तो वो जाने। यस, सना परवीन अगर लेना है आपको तो बेटा वहां पे आप मैसेज करो, अभय राज बेटा तुम मेरे से एक बार कॉल पे बात करो, है ना, फिर क्लियर होगा चीजें क्या हुआ है तुम्हें, है ना, एक बार अभी कॉल पे बात करना। याद रखना है कि हर इंसान की जो वीकनेस होती है वो उसके हिसाब से होती है, है ना। अभय राज की समस्या तुम्हारी अभी जो है वो है इंग्लिश, तो अभी इंग्लिश पे प्रैक्टिस कर रहे हो बेटा, है ना। याद रखना है कि मैंने उसका कमिटमेंट नहीं करता मैं इंग्लिश सिखाने का, लेकिन मैंने तुम्हें सिखाया है और ये कहा है कि तुम इंग्लिश अभी ठीक करो, धीरे धीरे जैसे तुम्हारी इंग्लिश ठीक होती जाएगी सब कुछ ठीक होता जाएगा। मैंने तुम्हें एक चीज और बताई है, टच में रहना है, कोई भी जो परेशानी आए उसको सीधा सीधा शेयर किया जाता है, ठीक है, तब जाके ठीक होगा, फाइन। तो एक बार मुझ पर कॉल पर बात करना तुम। एनीबडी एल्स, कोई और क्वेश्चन? मैं हिंदी मीडियम से हूं बट इंग्लिश में एग्जाम देना चाहती हूं। हाँ बेटा, इंग्लिश में अगर एग्जाम देना चाहती हो तो इंग्लिश ठीक करनी पड़ेगी। अभय राज भी वही काम कर रहा है, वो हिंदी मीडियम से है, इंग्लिश मीडियम में ठीक कर रहा है अपना, पहले इंग्लिश ठीक कर रहा है ना। उसके लिए मैं तुम्हें मेथड बता दूंगा कैसे करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश ठीक होती रहेगी और इधर क्लास शुरू हो जाएंगे। याद रखना है जब तक इंग्लिश आप स्ट्रांग कर रहे हो तब तक क्लासेस जो होती हैं वो आपको उस लेवल पे समझ में नहीं आती, है ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस हैं। हाँ, दो महीने तीन महीने के बाद आप देखोगे आपकी जो समझदारी है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको टच में रहना होगा, फाइन। सत्यम शर्मा बेटा, सारा पूजा मैडम का ही नंबर रहता है, हम एडमिशन के बाद मेरा नंबर दिया जाता है, तो आप लोग प्लीज पूजा मैडम से बात करेंगे और उसके बाद वो मुझे दे देंगे आपको मेरा नंबर आपको। दीक्षा बेटा, क्वेश्चन के आउटपुट नहीं निकल रहे हैं, इसका एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। याद रखेंगे कि हम जब उड़ान भरना शुरू कर, हमें क्या लगता है, तुम याद होगा बेटा मैंने तुम्हें बताया था हम जब मिले थे कि तुम चाहे कितना भी पढ़ लो, पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग अलग फील्ड है, राइट। तो जब आप पढ़ते हो खूब दबा के तो आपको गुरूर होने लगता है कि आप तो मैंने सब पढ़ लिया। क्वेश्चन इसलिए सॉल्व किया जाता है कि आपको तुरंत औकात में आ जाओ, समझ गए,
और फिर वो क्वेश्चन भी कई लेवल है उसके, क्योंकि अभी ट्रेनिंग जब चलेगी ना धीरे धीरे तब हम बताएंगे उसको, ठीक है, कि पहले हमें डायरेक्ट यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने चाहिए, है ना, पहले हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, फिर यूपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम यूपीएससी का क्वेश्चन हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, पहले चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, लेवल के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। जैसे हमको गांव के पहलवान की ट्रेनिंग मिली हो और हम नेशनल लेवल चैंपियन से लड़ लें तो वो क्या करेगा, एक मुक्के में तुम्हें सुला देगा, तो निगेटिविटी आएगी कि नहीं आएगी। तो हमें प्रोसेस को फॉलो करना है, ठीक है, जैसा मैं बताऊंगा। चैप्टर वाइज भी नहीं हो रहे हैं तो उसका भी सॉल्यूशन है, आप उसकी चिंता मत करो, ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने के स्टाइल में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको हम पढ़ने की स्टाइल थोड़ा सा बदलेंगे और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा, ठीक है। साना प्रवीण, बिल्कुल आप इंग्लिश का ले लो, एक बार मुझसे बात होगी बेटा, है ना, हम मैं डिसाइड करूंगा, कम से कम जब आप 15-20 दिन रहते हो ना उसके बाद ही डिसाइड करना मुश्किल होता है, आसान होता है कि आपको इंग्लिश मीडियम में ज्यादा कंफर्टेबल होगा या हिंदी मीडियम, ठीक है, उसके बाद ही, उसके पहले नहीं हो पाएगा। नहीं बेटा, आपको भरोसा करना ही पड़ता है, आपको जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं कि तीन चीजें आपको अपने कोच पे करना होता है, नंबर वन, आपको सबसे पहले कोच को चुनना होता है, आपने चुन लिया, उसके बाद आपको उस पे उससे कनेक्टेड होना होता है, और कनेक्ट होने के बाद आपको उस पे ट्रस्ट करना होता है। याद रखना, इन तीनों में से अगर एक भी चीजें गड़बड़ हुई, एक भी चीजें, तो याद रखना फिर सक्सेस तो नहीं मिलेगी। तो वो तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पहला, आपने चुन लिया अगर मुझे, जैसे अभय राज ने चुन लिया, अब उसे कनेक्टेड रहना होगा, समस्याएं जो हो उस पर डिस्कस होना चाहिए, और फिर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट ही है जो हमें बचाएगा। एक जर्नी जो होती है ना बेटा, ये वो तो है नहीं कि 15 दिन का कोई कोर्स है, इसमें साल, 2 साल, 3 साल लग सकता है। और एक बात और बता दूं, जब आप काम करना शुरू करते हैं ना, आपको ऐसे लगेगा काम अचानक पहले बढ़ेगा, आपको लगेगा कि आपके अंदर बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है, फिर अचानक फिर प्रोसेस में बता दो, अगर आपको प्रोसेस पता रहेगा तो आपके अंदर निगेटिविटी नहीं आएगी, प्रोसेस ना पता होने पे आपके अंदर निगेटिविटी आएगी। पहले लगेगा कि काम बहुत अच्छा हो रहा है, अचानक क्या लगेगा कि काम बढ़ ही नहीं रहा है, बहुत स्लो डेवलपमेंट होता है। और ये क्यों होता है, जैसे कोई आदमी जब शुरू शुरू में दौड़ना शुरू करता है ना, तो शुरू शुरू में उसको लगेगा कि यार पहले वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दौड़ रहा था, वो 10 पहुंच गया, अब वो 12 पहुंच गया, फिर 15 पहुंच गया, वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है, 20 पहुंच गया, 20 पर जब वो पहुंच जाता है, 20 के बाद 21 पहुंचना बहुत मुश्किल होता है बच्चे, 20 के बाद जो डेवलपमेंट होता है बहुत स्लो होता है, उस समय उसको पेशेंस रखना है निगेटिव होने के बजाय, क्योंकि 20 तक कोई भी पहुंच सकता है, 20 के बाद ही कंपटीशन शुरू होता है मेरे बच्चों। तो जब आपका प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाए ना डेवलपमेंट, तो निगेटिव होने के बजाय आपको यह मान लेना चाहिए कि इस समय हम अब फ्लाइट उड़ान भर चुकी है, टेक ऑफ कर चुकी है। आपको पता है कभी फ्लाइट में गए हो आप, जब फ्लाइट में आप जाओगे तो जब आसमान में पहुंच जाते हो ना, तब आपको ऐसा लगता है कि स्थिर हो गए हो आप, ऐसा लगता है पूरा प्लेन रुक गया है, लेकिन उस समय वो प्लेन 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होता है। तो आपकी फीलिंग हो सकती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन काम हो रहा होता है। हाँ, इसी समय कोई प्लेन में से निकल के कूद जाए, कहते तो स्लो चल रही है और धीमी है, कूद जाओ, आप निकल जाते, निकल जाओ, फिर हवा में पता चलेगा तुम्हें 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जब आओगे तुम नीचे जमीन पे, तो है ना। तो हमें पेशेंस रखना है, पिछले सेमिनार में बोला गया था पेशेंस पेशेंस पेशेंस, ठीक है। हाँ, तो आज अभयराज उठ नहीं पाते हो, ऐसा सबके साथ है, आज से प्रैक्टिस करना शुरू करो, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने अंदर उस राक्षस को जन्म ना दो तो,
ठीक है, मैंने तो तुम्हारे पास देखो, मैं तुम्हारे शरीर और तुम्हारे दिमाग के अंदर तो जाऊंगा नहीं ना, मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, तो अब तुम्हें क्या करना है, फॉलो करो। इस प्रोसेस को अगर फॉलो करोगे तो ही होगा, ठीक है। हां दीपायन बताओ बेटा। असिस्टेंट विकास कुमार, बेटा फर्स्ट ईयर से ही तैयारी की जाती है, 3 साल का पूरा टाइम जब लोगे तब जाकर के आप सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकेंड ईयर में हो तो 1.5-2 साल मिल जाएगा, आराम से करोगे। लेकिन कोई थर्ड ईयर के बाद जब करता है तो उसे 1.5 साल तो और लगेगा ना बेटा। फर्स्ट ईयर से जो बंदा आ रहा है आइडियल है। कुछ बच्चे तुम्हारे 11th क्लास से हैं, उनका तो कौन रोक पाएगा उनका सिलेक्शन, अगर वो 5 साल ट्रेनिंग ठीक से लेते हैं और कनेक्टेड रहते हैं तो। ठीक है, हाँ साना परवीन बेटा, ऑनलाइन ही बैच है पूरा इस समय, ऑफलाइन भी एक है लेकिन चूंकि अभी ऑनलाइन ही है, सारा लॉकडाउन चल रहा है तो ऑनलाइन ही चलेगा। कोई भी ऑफलाइन आना चाहेगा वो भी आ सकता है, यहीं पे बैठता है, यहीं पे हमारा स्टूडियो है, यहाँ पे क्लास में चेयर्स भी रखी होती हैं। कुछ बच्चे आते हैं 1-2 दिन, फिर उनको लगता है यार आना बेकार है, तो फिर से ऑनलाइन आने लगते हैं ना। कुछ लोगों को ऑफलाइन में शौक चढ़ता है, आते हैं बैठते हैं, फिर उनको लगता है यार सज संवर के पहन वहन के आओ, और काम वही होता है क्योंकि वहां से भी लोग बातें कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं घर पे बैठ के, तो 2-3 दिन तो रेगुलर होते हैं, फिर उसके बाद वो घर से ही क्लास लेने लगते हैं। ठीक है, दोनों है। नितेश कुमार यादव क्या पूछ रहे हो, नितेश बाबू क्या क्वेश्चन है आपका? अभी मैं एनसीईआरटी की क्लास ले रहा हूं बेटा। एनसीईआरटी की क्लास लेना, किसकी क्लास ले रहे हो, क्यों ले रहे हो मुझे नहीं पता, क्योंकि एनसीईआरटी लोग जो पढ़ा रहे होते हैं ना वो कंबाइंड पढ़ाते हैं, एसएससी के लिए भी और एनडीए के लिए भी, सीटीएस के लिए। हम एनसीईआरटी क्यों पढ़ें, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए कैसे पढ़ें, कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो यूपीएससी में कहां काम आएगा, कैसे काम आएगा। इसीलिए एनसीईआरटी पढ़ने से पहले मेरी ट्रेनिंग है, जो बच्चे अभी आए नए नए उनको ट्रेनिंग ले रहे होंगे, उससे पहले जब ट्रेनिंग लेंगे तभी हमें एनसीईआरटी की वैल्यू समझ में आएगी, नहीं तो हम यही नहीं जान पाते कि एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना है। एनसीईआरटी से पहले भी हमारी ट्रेनिंग सेशंस हैं, तब आप क्लास शुरू करेंगे। ठीक है, ट्रेनिंग सेशंस को जो डीपली करेगा, जो उसको आत्मसात कर लेगा अंदर तक, उसको कभी भी तैयारी में परेशानी नहीं आएगी। अच्छा, जो उसको कैजुअली लेगा, ठीक से नहीं करेगा, उसका स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा, वो पूरी तैयारी में स्ट्रगल करेगा। जो ट्रेनिंग दी गई है बहुत सोच समझ के बनाई गई है, बहुत मेहनत करके, इट इज द फर्स्ट टाइम ऐसी ट्रेनिंग दी गई है किसी भी इंस्टीट्यूट पर। फाइन, सर पढ़ते बहुत हैं पर कुछ याद नहीं रहता, तो सर पढ़ने का तरीका क्या है कुछ बताएं सर। अरे बाबू जी, पढ़ने का तरीका जो होता है उसका अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको 3 समस्याएं हैं। पहली बात तो आप स्पीड से पढ़ रहे हैं, आप उसको चबा चबा के नहीं पढ़ रहे। जो बैल होते हैं ना, बैल चुगाली करते हैं, गाय चुगाली करती है, क्यों करती है। आप जब पढ़े तो आप सोचें, थोड़ी देर कनेक्ट करें, और सबसे बड़ी बात है क्यों पढ़ रहे हैं पहले ये तो सोचें। मान लेते हैं एनसीईआरटी का एक किताब का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर आप क्यों पढ़ रहे हैं, वो चैप्टर का यूज क्या है, क्या उससे कोई क्वेश्चन आया हुआ है, कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। देखो तो एक बार, अगर वो सारी चीजें आप कनेक्ट कर लो फिर आपको चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। और दूसरी बात, आपके रिवीजन में समस्या है बेटा, है ना, आप रिवीजन नहीं कर पा रहे। पहला रिवीजन 24 आवर्स के अंदर होना ही चाहिए, और आप नोट्स नहीं बना रहे हो, तो आपको पढ़ना है, ठीक से पढ़ना, चुगाली करके पढ़ना, उसको कनेक्ट करना है, सोचना है उसके बारे में, फिर नोट्स बनाना है, नोट्स बना करके फिर आपको रिवाइज करना है, और फिर उस पर क्वेश्चन सॉल्व करना, और फिर देखो भूल के बताओ मुझे उसके बाद, फिर नहीं भूलोगे आप। चाहे श्रुति बेटा, आप पूजा मैडम से बात करो, जो भी फीस की बात करनी है वही जानती है, मुझे सिर्फ अनाउंस करने के लिए बोला जाता है, मैं कर देता हूं। साना परवीन, कौन कौन सब्जेक्ट होंगे बेटा? सारा सब्जेक्ट जितना होता है जीएस का सब होगा, जीएस पूरा, सीसैट, मेंस, प्री इंटरव्यू, सब, सिर्फ ऑप्शनल नहीं होगा बस। ठीक है, ऐसे राइटिंग भी होगी उसमें। बेटा मैथ रीजनिंग भी पढ़ाया जाएगा उसमें, ठीक है।
जो आपका रहेगा। मैं मैथ रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूं लेकिन सीसेट में मेरे कई बार बच्चे फेल हुए, तो इस बार मैंने वो बीड़ा उठाया है। हमेशा टीचर पढ़ाते हैं, मैं फर्स्ट टाइम शायद पढ़ा रहा हूं और आखिरी टाइम पढ़ाऊंगा, बिकॉज उसमें मुझे चेक करना है कि बच्चे क्यों गड़बड़ कर रहे हैं सीसेट में, है ना। ठीक है, तो सब पढ़ाया जाता है बेटा। मैं पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल पढ़ाता हूं, ट्रेनर हूं मैं आपका जीएस के लिए, और भी टीचर्स आएंगे। मैं तो खैर पॉलिटी पढ़ाऊंगा ही आपका, पॉलिटी, आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, ये मेरा सेक्शन रहेगा। ठीक है, और ट्रेनिंग पूरी मेरे अंडर में होगी, पर्सनल जो निगरानी रहेगी वो मेरी रहेगी। ड्यूटी आपकी है कि आप अपनी परेशानियों को मेरे से शेयर करें, मेरे टच में रहे। याद रखना बच्चों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपकी ये जिम्मेदारी होती है कि आप उन स्टूडेंट्स के बीच में मेरे से गाइडेंस ले लें। हाँ, मुझे याद आएगा तो मैं 10-12 दिन में फिर एक बार मैसेज करूंगा, अरे यार कहां गया वो। लेकिन अगर आप सीरियस रहेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। ठीक है, यस। ऑप्शनल के लिए बेटा, अगर हमारे यहां जो ऑप्शनल है वो तो आप लोगों को, तो उसके लिए फीस अलग लगेगी, है ना, लेकिन वो बाद की बात है, अभी तो पहले जीएस से काम शुरू होगा। ऑप्शनल के लिए अलग से फीस लगती है, ऑप्शनल है हमारे यहां लेकिन इसमें ऑप्शनल इंक्लूड नहीं है। ठीक है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बहुत सारे ऑप्शनल्स हैं, उसके टीचर्स अलग से आते हैं, वो अगर लेना होगा तो बाद में, लेकिन ऑप्शनल भी डिसाइड नहीं करना है आपको, है ना बेटा। जैसे आप हमारे ट्रेनिंग में जब आ जाते हैं तो आपके दिमाग के हिसाब से ऑप्शनल डिसाइड करना है ना, इसलिए अभी ऑप्शनल पे कोई चर्चा नहीं होती। ऑप्शनल को कैसे चुना जाए इस पे एक हम सेमिनार करने वाले, एक सेमिनार करेंगे ऑप्शनल कैसे चुना जाए। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा, लेकिन ऑप्शनल को चुनने का तरीका क्या होना चाहिए उस पे भी हम एक सेमिनार करेंगे। ठीक है, अनु बाबू अभी ऑप्शनल आपका हिंदी मीडियम है ना, मैं हिंदी मीडियम में अभी कंफर्टेबल नहीं हो रहा हूं, खासकर पॉलिटिकल साइंस को लेकर के टाइम थोड़ा कम है, क्योंकि जीएस का बैच मुझे पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा, इस वजह से एक दिन में 8 घंटे क्लास लेना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए ना, फिर मैं ट्रेनिंग नहीं दे पाता हूं बच्चों को। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आगे मैं शुरू जरूर करूंगा, अभी तो तुम्हारे पास अगर टाइम होगा तो मैं शुरू जरूर करूंगा, है ना, ऑप्शनल चलेगा जरूर। सना परवीन बेटा सब कुछ मैडम से फोन करके पूछो, अगर हो नहीं तो सीट खत्म हो जाएगी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सर अभी क्या पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में? बाबू जी सबसे पहले आपको यूपीएससी का जो सिलेबस है जीएस का उस पर बिल्कुल कमांड करना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना चाहिए, और फिर आपको उसके हिसाब से एनसीईआरटी शुरू करो या फिर कोचिंग शुरू करो। ठीक है, दोनों आप उसके बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सिलेबस पे कमांड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उसके कनेक्ट करना है और समझना है यूपीएससी के ट्रेंड को। ठीक है सर, अभी आप हमको बता सकते हैं कि हम अभी 11 क्लास में हूं और हमको आईएएस की तैयारी करना है, इसलिए मैं अभी किस चीज की पढ़ाई कर सर? बेटा जीएस आपको याद रखना है, आर्ट साइड लेना है, साइंस साइड नहीं लेना है। अगर आप साइंस साइड ले चुके हैं तो थोड़ा थोड़ा आर्ट साइड के सब्जेक्ट एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करें। ठीक है, 11th क्लास से ही अगर आप, आपको पता होगा टीना ढाबी की मम्मी पापा जो कि इंजीनियर थे, उन्होंने अपनी बेटी को इंजीनियरिंग न करा के 11th क्लास से आर्ट साइड के सब्जेक्ट दिलाए थे, चूंकि उनको आईएएस बनाना था। मेरे बच्चों आपको पता होगा हम लोगों के यहाँ साइंस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, अगर आपको आईआईटी करनी है तो आप साइंस करो, एमबीबीएस डॉक्टर बनना है तो साइंस करो, लेकिन अगर आपको आईएएस बनना है तो 11th क्लास से ही आपको आर्ट साइड सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, अभी काम करेगा वो। हाँ बेटा, तो आर्ट लियो बहुत अच्छा है रोहित बाबू, आर्ट लियो बहुत अच्छा है। पता नहीं सीट बची है कि नहीं बची है, आप पूजा मैडम का नंबर मैंने यहां पे दे दिया है, आप पूछ लो उनसे, मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, मैं यहां पे बता देता हूं, बाकी लोग वहां पे फोन करें तभी पता चलेगा। संजय ओझा, वर्ड पावर के लिए क्या करें? वर्ड पावर के लिए आपको डिक्शनरी लेनी है सहनी ब्रदर्स की, और आपको पढ़ना है चाहे इंडियन एक्सप्रेस चाहे हिंदू न्यूज़पेपर। आपको वर्ड पावर वो कास्ट कबूतर वाली नहीं बढ़ाना है, आपको वर्ड पावर बढ़ाना है यूपीएससी वाला। हर एक फील्ड का अपना वर्ड पावर होता है, जैसे मान लेते हैं हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री का अपना वर्ड है, ज्योग्राफी का अपना वोकैबुलरी है, पॉलिटी का अपना वोकैबुलरी। यूपीएससी वाले को इस बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि वो इंग्लिश ठीक से बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है,
उसे इस बात की टेंशन लेनी चाहिए कि वो हिस्ट्री के आंसर ठीक से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ज्योग्राफी के आंसर ठीक से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। तो जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे संजय बाबू, तब आपको ज्योग्राफी की वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी की वोकैबुलरी धीरे धीरे आने लगेगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी, धीरे धीरे ही स्ट्रांग होगी, एक बार में रट के स्ट्रांग नहीं होगी। अगर कोई ये सोच रहा है कि वो डिक्शनरी रट के कर लेगा तो वो गलत है। डिक्शनरी सिर्फ रखना है, और जब भी वो वर्ड पॉलिटिक आ जाए आप उसको समझ जाओ, ठीक है। एक पेपर पढ़ो, वहां पे जो वोकैबुलरी है धीरे धीरे वो समझ जाओ। आप रटना मत बैठ के वोकैबुलरी को, जो रट रहा है उसका कोई यूज नहीं होगा। मैं तुम्हें फिर से बता दू, दैट इज यूजलेस। सब्जेक्ट पढ़ो, सब्जेक्ट पे वोकैबुलरी धीरे धीरे परेशानी आती रहेगी, आप उसको क्लियर करते रहें। आप तो क्लास ले ही रहे होगे, क्लास में आपको सारी वोकैबुलरी धीरे धीरे समझ में आ रही होगी ना, तो धीरे धीरे ही होगा वो। यस, कॉल नहीं जा रहा है दोनों नंबर पे, 8750069419। आप मैसेज कर दो बेटा, व्हाट्सएप कर दो मैडम को, ठीक है। अगर मैसेज ना, कॉल ना जा रही हो तो व्हाट्सएप कर दो। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बच्चा पूछ रहा है। बेटा चाहे हिंदू पढ़ो चाहे एक्सप्रेस पढ़ो, मैं एक्सप्रेस ज्यादा प्रीफर करता हूं। मैं अपने बच्चों को बोलता हूं द इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा प्रीफर करने के लिए। उसका रीजन है कि द हिंदू थोड़ा सा क्रिटिकल ज्यादा हो गया है। अब जरा सोचो कि तुम्हें किसके अंडर में काम करना है, तुम्हें काम करना है गवर्नमेंट के अंडर में। प्रॉब्लम ये होती है, मैंने तुम्हें बोला था निगेटिव लोगों के साथ रहने से अगर मैं मना करता हूं, पता चलता है हिंदू पढ़ पढ़ के धीरे धीरे आप निगेटिव हो जाते। जो बच्चा हिंदू पढ़ता है, जब मेरे साथ उसका डिबेट होता है ना, तो मैं उसको ये समझाने में कि ये भाई आंसर राइटिंग में गवर्नमेंट को इतना भी क्रिटिसाइज मत कर, इसके लिए बड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है। गवर्नमेंट वैसे ही है आपके लिए जैसे आपके पापा। अब जरा सोचो को आपको एक दिन अपने पापा की बुराई करनी हो तो क्या मां बहन की गाली देने लगोगे? नहीं ना, आपको डिप्लोमेटिक तरीके से निगेटिविटी करनी है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सब गलती गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट को एक गाली दे डालो, तो आपका माइंड सेट ही डिजाइन हो जाता है हिंदू पढ़ के थोड़ा सा। तो हिंदुओं के जो पढ़ रहे हैं बहुत सतर्क होके पढ़े, पढ़े माइंड उसमें अच्छे होते हैं, लेकिन सतर्क रहो, अवेयर रहो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको धीरे धीरे निगेटिव माइंड सेट ही हो जाए। एक्सप्रेस थोड़ा बैलेंस होता है, निगेटिविटी इतना ज्यादा नहीं करता, ना ही वो पॉजिटिविटी एक लेवल ज्यादा करता है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस होता है, इसलिए हम उसको रेकमेंड करते हैं आजकल। पहले तो हिंदू ही लोग पढ़ते थे। हिंदी मीडियम के लिए वैसे तो आजकल सारा डिस्कशन आ रहा है एक्सप्रेस पे और हिंदू पे, पूरे यूट्यूब पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन फिर भी दैनिक जागरण आप पढ़ें, और जब भी पढ़ें न्यूज़पेपर को सिलेबस से जोड़ के पढ़ें। मैंने ट्रेनिंग दी थी न्यूज़पेपर पढ़ने की अपने हिंदी मीडियम के बच्चों को, है ना। कोई भी और आप पढ़ें उससे कनेक्ट करके पढ़ेंगे अगर सिलेबस से आप, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। दैनिक जागरण इज ओके, इट इज नॉट राष्ट्रीय संस्करण, लेकिन पढ़ें उससे। दैनिक जागरण हिंदी संस्करण बेटा विकास, है ना, दैट इज मोर देन एनफ। फाइन, और कोई क्वेश्चन किसी का हो? एनीबडी एल्स वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। मुझे पूरी उम्मीद है कि अमन बाबू भी हैं, धीरज बाबू भी हैं, सभी लोग मेरी बात सुन रहे होंगे बहुत ही अच्छे से। और प्लीज पॉजिटिव तरीके से देखिए, अपने बच्चों के लिए ही सेमिनार होता है ये, ताकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आए, है ना। बाकी बच्चे जो आते हैं वो तो ठीक है, उनको तो फायदा मिलता है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए स्पेशली इसे फोकस करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अंदर निगेटिव थॉट्स आते हैं। बच्चों आप अपने आप को उनसे बचाओ। कभी कभार क्या होता है, बहुत बच्चे हैं जो मुझे बताते नहीं है अपने थॉट्स को। अगर जो बता देगा वो तो ठीक है, जो नहीं बता रहा है वो तो निगेटिव हो जाएगा ना, इसलिए मुझे थोक में आना पड़ता है, ताकि ट्रेनिंग दी जाए तो शायद आसानी से मैं कई बच्चों का भला हो जाए जो बहुत कबूल नहीं रहे, राइट। तो यस, अमन बाबू हैं, उन्होंने कह दिया है, धीरज भी होगा ही, है धीरज घर गया है शायद, है ना। अपनी मम्मी को मेरा नमस्ते कहना है। तो आपको मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि हमारा हर बच्चा काम कर सकता है और वो काम करने लायक है, बस उसके अंदर ये जो सेल्फ रेफरेंसिंग सेंटर है इससे उसको बच के रहना है बस, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, है ना। थैंक यू सो मच, सी यू।
बाय, टेक केयर।